यूनिवर्सिटीज को कोशिश करेंगे हम आपको ये सारी बातें उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जरूर आपके साथ शेयर करें। मेरे साथ आज मेहमान है और माशाल्लाह ये इस साल के पाकिस्तान के टॉपर्स में शामिल कर सकते हैं आप इनको। ये हैं तो कराची से लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में माशाल्लाह आपने जो नाम अभी मैंने लिए GIJ का नाम लिया, NEST का नाम लिया, NED का नाम लिया, FAST का नाम लिया, IB का नाम लिया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस साल, ये जो अभी गुजरा भी नहीं है साल, और इन लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों ने उन तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी किया और टॉपर्स में अपना नाम भी लिखवा लिया। तो हमारे साथ जईम साहब है और जईम माशाल्लाह जईम ने NED के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया। NED के दो राउंड होते हैं तो उसमें 97 स्कोर माशाल्लाह आउट ऑफ 100 97 स्कोर करना एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ये कोई आम सी बात नहीं, जिन लोगों ने टेस्ट दिया बच्चों ने उनको मालूम होगा कि उन्होंने दोनों टेस्ट में कितनी जान लगाई है और उस पर भी 90+ स्कोर नहीं कर पाए और एक बच्चा ऐसा है कि वो 97 स्कोर करता है। तो माशाल्लाह बच्चे मेहनत करते हैं। मैं बाकी बच्चों को भी यही कहता हूँ कि देखें हमारे यहाँ मेहनती लोग बहुत हैं, तो इसलिए आप ये ना सोचा करें कि आप जो है वो कम मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, चीजें टफ होती जा रही है, तो आपने हर चीज को बड़ी वैल्यू दे दी। तो हमारे साथ जईम साहब हैं और इनशाला इनके साथ हमारे साथ साथ साहब हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह NED के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस साल की जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरिट लिस्ट में 50% इंटर होता है जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज थी और 50% टेस्ट होता है। तो उसके एग्रीगेट के मुताबिक अगर फर्स्ट मेरिट पोजीशन की बात की जाए तो हमारे साथ साद खान साहब हैं और अगर NEST की बात की जाए या IB की बात की जाए तो यहाँ मेरे सीधे हाथ पे मौजूद है रेहान साहब। माशाल्लाह इन्होंने IB में पोजीशन हासिल की और NEST में इन्होंने 157 स्कोर किया। माशाल्लाह अभी इनका नेट 4 का रिजल्ट आना बाकी है, उम्मीद है कि ये इससे भी ऊपर लेके जाएंगे और अपने आप को स्कॉलरशिप्स में लेकर आएंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन भी सिक्योर किया है और इनशाला ये अपनी अपनी पोजीशंस के साथ स्कॉलरशिप भी लेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन सेशन इस वक्त हम कर रहे हैं इसके अंदर हम ये चीज बच्चे को बताना है कि भाई देखो एडमिशन लेना तो एक बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर आप इसको स्कॉलरशिप के साथ ले लो तो आपके पेरेंट्स का एक फखर भी बढ़ता है और दूसरा उनका बर्डन भी कम हो जाता है। उनको फीस का जो बर्डन होता है ना 4 साल की फीस उनको पे करनी है, तो स्कॉलरशिप अगर मिल जाए तो पेरेंट्स तो माशाल्लाह फिर खुशी खुश होते हैं कि यार एक तो बच्चे ने एडमिशन भी ले लिया ऊपर से उसने स्कॉलरशिप भी ले ली, तो ये बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वाली जो लोग हैं इस तरह के जो लोग हैं वो अगले साल मजीद बढ़ जाए और मजीद स्कॉलरशिप वाले और पोजिशन वाले स्टूडेंट्स। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है अभी अभी वो बहुत तेजी से भाग के आए क्योंकि मैंने जब इनको अप्रोच किया था शाम में तो ये बहुत मसरूफ थे लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं आ जाऊंगा, तो ये आ चुके हैं रयान आमिर साहब। और रयान आमिर का ताल्लुक यानी इंट्रोडक्शन अगर मैं कराऊंगा तो ये एक अलग इस वक्त जो कल से लेके अभी तक जो तड़प रहे हैं लोग पास के रिजल्ट के लिए कि पास का CS नहीं हो रहा सर, पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होगा सर, मेरा डबल ई में एडमिशन हो गया है, मेरा डेटा साइंस में हो गया है लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चाहिए। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनको फास्ट में स्कॉलरशिप के साथ इंशाल्लाह एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि इनका एग्रीगेट कितना है भाई 86 86 एग्रीगेट इन्होंने माशाल्लाह मेंटेन किया है। रेहान ने बहुत कोशिश की थी लेकिन रेहान का 83 एग्रीगेट बना और मैंने बहुत दुआ भी की थी कि रेहान भी हाईएस्ट एग्रीगेट में शामिल हो, तो इनशाला रेहान का भी एग्रीगेट 83.5 है कम नहीं है और रेहान ने IB में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और NEST में भी 157 स्कोर है। तो होता है बाद होगा कि आप सब जगह पोजीशन नहीं ले पाते, तो बहुत अच्छा स्कोर है रेहान का फास्ट का भी और हमारे पास रेहान आमिर है, रेहान है और जहीम है और साथ खान है, तो इंशाल्लाह इन लोगों से बात होती रहेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन हमारा इन तमाम यूनिवर्सिटीज को हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। ये आपके पास टॉप 10 इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। देखें जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं इसके अंदर ये जो पिछले 3 साल गुजरे और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते रहे उसमें बहुत तेजी से बच्चों का जहन कंप्यूटर की तरफ गया और इस साल तो ऐसा हुआ है कि अब बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहते नहीं है, वो कहता है मुझे सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। तो ये जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है इसमें मैंने आपको ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे स्लाइड शो की है कि
कि इसमें आपको एरोटिकल इंजीनियरिंग भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो ये वो टॉप इंजीनियरिंग है जो इस वक्त वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज में डोमिनेट वैल्यू जो है ना बनाए, मतलब ये वो लोग होंगे जिनकी आगे 4 साल में भी डिमांड होगी। तो ये एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी था आप लोगों को कि आप लोग सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड को ही सब कुछ ना समझें। देखिए, गाड़ी आज भी बन रही है और कल भी बनेगी, बनाने वाले जो है ना वो चेंज रहेंगे। तो वो जो गाड़ी का बनाने का मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही आप सीखेंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए खत्म नहीं होगी। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा। अभी अगर इंसान उसमें काम कर रहे हैं तो कल रोबोट्स काम करेंगे, सही। वो जो डिजाइन करना है, वो जो सोचना है, वो जो क्रिएटिविटी दिखानी है, वो किसने दिखानी है? इंसान ने दिखानी है। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को यही हिदायत भी है, सजेशन भी है और रिकमेंडेशन भी होती है कि आप सिर्फ एक तरफ ना जाएं, सोसाइटी को देखकर, माहौल को देख के एक तरफ ना हो। अगर आप इनमें आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है और फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी है, फिर उसके अंदर मैकेनिक्स बहुत अच्छी है, फिर उसके अंदर ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, तो ये जो आपको फर्स्ट ईयर में या एएस में फिजिक्स पढ़ाई जाती है वो इसीलिए ताकि आप अपने अपनी अहलियत देखें कि आप क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। अभी एक बच्चा है जिससे मैथ्स अच्छी नहीं हो रही है, जैसे अभी अभी लास्ट वीक में ही मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी इंजीनियरिंग का ऑप्शन दे दिया गया। अब उस बच्चे ने मैथ्स तो पढ़ी नहीं है, तो मैथ्स का इंटरेस्ट भी उसको नहीं पता, मैथ्स की आसानी और मुश्किल भी उसको नहीं पता, लेकिन वो अब ये देखते हैं कि भाई सब लोग कंप्यूटर में जा रहे हैं और कंप्यूटर ही बहुत अच्छी है, तो कंप्यूटर में क्या होगा, वो आकर फंस जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में उसने क्या पढ़नी है, कैलकुलस पढ़नी है। कैलकुलस का तो सी भी उसको नहीं आता, उसको पता नहीं कैलकुलस है क्या चीज, वो तो कैक्टस पढ़ के आ रहा है, कैक्टस पढ़ के कैलकुलस कैसे करेगा। तो ये आपने सोचना है, ये बच्चे ने सोचना होता है कि यार मुझे जो चीज आती है ना वो मैंने आगे ले जाती है। हमेशा आसानी जो है ना वो हासिल करें अपने रास्ते के लिए, ताकि क्या करें, आप उसमें एक्सपर्ट हो, हर फील्ड के एक्सपर्ट होता है। ये सेशन से पहले मेरी बात हो रही थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें या कंप्यूटर साइंस करें, तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी डिमांड में होंगे और कंप्यूटर साइंस वाले भी, लेकिन वो जो कि टॉपर्स होंगे। हमारे यहाँ जब कंपटीशन बढ़ता है ना, दुनिया का एक मतलब एक अंदाज है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो वो चीज डिमांड में होती है जिसके जो टॉपर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप भी अगर मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो आप कहेंगे यार बेस्ट मोबाइल फोन ले जाएंगे, कोई भी तो नहीं लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई भी दे देंगे। जितने आपका बजट है उस बजट में रहते हुए आप कहेंगे यार मुझे बेस्ट मोबाइल देते मार्केट से। तो इसी तरह जब कंपनीज किसी को हायर करती हैं, जब आपको जॉब देंगी तो क्या करेंगी, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी से लोग को बुलाने। तो इसलिए पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी का आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, कि मैं ये कहता हूँ भाई नस्ट रिसर्च करें, जीआईटी को रिसर्च करें, कंप्यूटर साइंस के लिए रिसर्च करें। अब अक्सर बच्चे जब सोशल मीडिया मुझे नजर आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे रिसर्च करें, सोशल मीडिया पे रिसर्च नहीं होती है इस चीज की, इसके लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बाकायदा काउंसलर्स हैं। तो वो जैसे क्यू एस रैंकिंग का अगर मैं नाम लूँ तो बच्चों को बड़ा नया सा लगता है, ये क्यू एस रैंकिंग क्या चीज है? वर्ल्ड रैंकिंग आपको क्यू एस रैंकिंग से मिलती है, टी एच ई रैंकिंग से मिलती है। तो ये वो रैंकिंग्स हैं जिससे आप आज भी और 4 साल बाद भी फायदा उठाएंगे। जब आप बाहर या अपने मुल्क में ही पाकिस्तान में एमएस करेंगे तो फिर आपकी जो डिग्री है वो क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से ही देखी जाएगी, कि अगर जीआईके से बच्चा पढ़ के आया है तो ये रेकग्नाइज है भी कि नहीं, अगर फास्ट से बच्चे ने पढ़ा है तो ये रेकग्नाइज है भी कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है आपका। तो इसके लिए ये सेशन में ये सारी चीजें आपको मैं साथ साथ समझाता रहूंगा। इसमें जो आपके टेस्ट होंगे वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जो सेकंड ईयर में इस वक्त हैं या A2s में इस वक्त हैं, तो उनके लिए यहाँ से बात बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो गई कि अब आपने इन टेस्ट की तैयारी करनी है। ये जो टेस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास NTS है, यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, और ISSB है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों की बात इन लोगों से भी करा देता हूँ। NTS आपको से किस किसने दिया? सबने दिया माशा, ठीक है ना? क्यों दिया भाई आप लोगों ने NTS? और बाकी वो फाइनेंस आपने भी दिया आईएससी फास्ट के लिए, आपने भी दिया फास्ट एडमिशन के लिए में एडमिशन के लिए, आपने भी दिया। सेम फास्ट के लिए आपको किसने कहा था कि एनटीएस में एनटीएस का टाइम? कोचिंग के जो टीचर्स हैं, हमने हमने एडमिशन लिया था एंड
प्री एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए प्रिपरेशन के लिए तो टीचर्स ने गाइड किया था, लेकिन आपने जी मैं आई डी गैस के टीचर ने दिया था, और मेरे दोस्तों ने भी, मेरे कजन्स ने जो पिछले यूनिवर्सिटीज़ में अभी, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया था केएनटीएस देने के लिए। ठीक है, तो ये जो एनटीएस है इसकी फीस कितनी थी? 800 रुपये। 800 रुपये। 800 रुपये में शायद दो जिंगर आते हैं आजकल, है तो। लेकिन कुछ बच्चों ने एनटीएस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया पता नहीं था सर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सेशंस होते हैं इसमें हम यही सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए बताते हैं कि देखें बहुत आसान रास्ते भी होते हैं बाद बात, लेकिन क्योंकि हम उस पर अप्लाई नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो या आप किसी ऐसे लोगों से लिंक कर लेते हो कि भाई वो इस रास्ते को आपका आसान बना दे, तो यह रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर एनटीएस के अलावा और क्या रास्ते हैं जिससे आप यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं? तो वो आपके यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट होते हैं, नस्ट का अपना टेस्ट होता है, जेईई का अपना टेस्ट होता है, फास्ट का अपना टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स ने इस साल एनटीएस का टेस्ट दिया था, लेकिन फास्ट ने जब कहा कि भाई सिर्फ एनटीएस पर अप्लाई करो या सिर्फ यूनिवर्सिटी का टेस्ट, उसने दोनों ऑप्शन इस दफा नहीं दिया आपको, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दिया। अब ये कैसे दे दिया आपने? आपने तो एनटीएस की तैयारी की थी, तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट कैसे दे दिया? जी रैन भाई, टेस्ट और जो एनटीएस है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ठीक है, मतलब अगर आप एक चीज की तैयारी करें तो दूसरी की भी हो जाती है। ये क्या, अगर आप कर रहे हो तो इसमें नस्ट की तैयारी नहीं हो रही सर, बाकी इसमें सब जेईई की नहीं हो रही, इसमें एनईटी की नहीं हो रही, इसमें फास्ट की नहीं हो रही, इसमें तमाम ऑप्शंस आपके कवर हो। जी जी बिल्कुल तो फिर आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है तो आप वहां जाके टेस्ट देते हैं, तो आप वहां स्कोर अच्छा कर लेते। एनटीएस में भी अच्छा स्कोर जाता है, एनईटी में भी अच्छा स्कोर आता है, आईबीए में भी अच्छा स्कोर हो जाता है। तो ये अगर आप ये सारे स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो फिर सेकंड ईयर के रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नहीं। अगर पड़ती होती तो आज आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते? अभी तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया। तो सेकंड ईयर का रिजल्ट ना आना यानी आपके एडमिशन में ये कोई रुकावट नहीं बना कि भाई सेकंड ईयर का रिजल्ट आप अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, कभी भी आए, यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है। और यूनिवर्सिटी ने आपको किस बेस पे सिलेक्ट किया कि या तो एनटीएस की टेस्ट दे दो या फिर आप यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दे दो। एक तीसरा टेस्ट स्लाइड में मौजूद है, आईएसएसबी। आप में से किसी ने आईएसएसबी दिया? आईएसएसबी कौन लोग देते हैं? आर्मी हाँ, अगर कोई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एंट्रेंस रखता है तो फिर वो आईएसएसबी भी देता है। तो ये भी हम बताते हैं, इसको भी ऑप्शन में रखते हैं कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो भाई वो आईएसएसबी भी दे दे। और आईएसएसबी मुख्तलिफ टाइम पर होता है, जैसे अभी एक आ जाएगा, अभी नवंबर में एक आईएसएसबी होगा, फिर एक अप्रैल में आईएसएसबी होगा। तो ये दो आईएसएसबी के टेस्ट आपके, अगर वक्त पर आप तैयार हैं, वक्त पे ये इंफॉर्मेशन लेना भी चाहते हैं और इसकी तैयारी भी करना चाहते हैं, तो फिर आप ये ले लेंगे ऑप्शन, अदरवाइज ये ऑप्शन आपसे मिस हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन आपके, अब आपको अपने कॉपी में, डायरी में लिख लेने, नोटबुक में आप नोट कर लें कि भाई फर्स्ट ईयर हो गया मेरा, फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर करता रहूंगा मैं, उसके साथ साथ इन टेस्ट को मैं तैयारी करता रहूंगा। तो ये टेस्ट अगर आप कर लेंगे तो जब भी नस्ट का टेस्ट आता है, जेईई का टेस्ट आता है, फास्ट का टेस्ट आता है, आईबी का टेस्ट आता है, तो आप आराम से उन यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी में, तैयारी कर कर एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। तो एक बात तो ये आपको यहां से हमने समझा दी। अगली, अब ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है, इंशाल्लाह मैं उनकी आपको कुछ खास खास बातें यहां पर आपसे शेयर कर लेता हूं। नस्ट में जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो 10% मैट्रिक है, 15% इंटर। इंटर में क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आता तो क्या काउंट होता है? फर्स्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो जाता है, फर्स्ट ईयर का 15%, 15%। यही चीज अगर ए लेवल्स में ले लें, अगर हम कैम्ब्रिज साइड पे चले जाएं, वो बच्चा जिसने ओ लेवल्स किया और अभी वो ए टू में है, ए हो चुका है और ए टू में, ए टू का रिजल्ट आता है अगस्त की 11 या 12 तारीख को। अब एडमिशन तो अभी हो गया, तो वो एडमिशन किस बेस पे ले लिया? ए टू की इक्विवेलेंसी तो बनी नहीं, ओ लेवल्स की बेस पर उन्होंने ये एडमिशन आपको दे दिया, सही है। तो ओ लेवल्स का कितना परसेंट काउंट करता है नस्ट? तो ओ लेवल्स का 25% काउंट करता है। अब मैं जब ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने तो ए लेवल्स को 0% कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया भाई, 0% तो वो जब अवेलेबल ही नहीं है तो कंसीडर कैसे करें? एस के रिजल्ट के ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं होता, आपके यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओ लेवल्स की बेस पर डिसाइड हो चुका है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ हम आपसे शेयर कर रहे हैं, नस्ट हो, जेईई हो, फास्ट हो, एनईडी हो, इन तमाम का एडमिशन ओ लेवल्स की बेस पे होगा और मैट्रिक वालों के लिए फर्स्ट ईयर की बेस पे होगा।
क्या आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है, बस अब आप यूनिवर्सिटी के लिए अपनी लिस्ट तैयार कर लें और उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें ताकि आप वक्त पर टेस्ट दे दें। तो एक तो हो गया ये क्राइटेरिया कि 75% इसमें आपका टेस्ट काउंट होगा। अब कितने टेस्ट होते हैं रहन भाई, आप बताइए नेक्स्ट के कितने टेस्ट होते हैं? चार होते चार टेस्ट होते हैं। आपने माशाल्लाह चारों दिए, एक दिए आपने एक दिया था, आपने दिया था नेक्स्ट का टेस्ट, आपने नेक्स्ट का कौन सा टेस्ट दिया? टू दिया था, टू दिया, फोर टू भी दिया और फोर भी दिया, माशाल्लाह। तो ये दोनों टेस्ट जो है ना, अक्सर बच्चे कराची के दो टेस्ट दे रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि कराची में दो होते हैं, अगर आपको बाकी भी करने तो फिर आपको उसके लिए इस्लामाबाद जाना होगा। जैसे पहला टेस्ट होता है दिसंबर में, ये इस्लामाबाद में होता है, दूसरा टेस्ट फरवरी या मार्च में होता है, तीसरा टेस्ट मार्च और अप्रैल में होता है, और चौथा टेस्ट फिर जुलाई में होता है। यहाँ जुलाई में टेस्ट होने के बाद, ये चार टेस्ट के बाद नेक्स्ट क्लोज हो जाती है। अब जिसने इन चार में बेस्ट परफॉर्म किया होगा, कुछ स्टूडेंट हैं जो इस्लामाबाद जाके भी टेस्ट देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, चारों टेस्ट देते हैं, और उस चार टेस्ट में से जो बेस्ट स्कोर होता है उसके ऊपर उनका एग्रीगेट बनता है, जो इस साल इन स्टूडेंट्स का बनने वाला है। और इंशाल्लाह 28 या 29 तारीख को इनका फाइनल रिजल्ट आके वो नेस्ट का एग्रीगेट बनेगा, और फिर किस कैंपस में और किस फील्ड में एडमिशन हुआ वो इनके ऑफर लेटर में लिख कर आ जाएगा। तो ये तरीका है नेस्ट में एडमिशन लेने का, कि नेस्ट में अगर आपको जाना है तो नेस्ट में जाने के लिए आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, मैट्रिक या ओ लेवल्स कितना परसेंट है और टेस्ट कितना परसेंट है। तो 75% इसमें टेस्ट है, और नेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं जो टेस्ट में शामिल होते हैं उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर और इंग्लिश और IQ, ये वो टेस्ट है जिसमें मैं बच्चे को ये कहता हूँ। अब ये लोग खुद मुझे बताएंगे कि मैं सही कहता हूँ नहीं कहता, कि अगर किसी ने नेस्ट में नेस्ट की तैयारी कर ली और 150 स्कोर कर लिया तो क्या वो फास्ट में एडमिशन ले सकता है? आराम से क्या वो NED में अच्छा स्कोर कर सकता है? भाई साहब भाई हैं, आप लोगों से अच्छा तो किसी और ने स्कोर नहीं किया। तो नेस्ट में ऐसा क्या है जो कि बाकी तैयारी भी हो जाती है? अगर उसकी तैयारी कर ली तो बाकी भी हो जाता है। यानी नेस्ट की अगर मैंने मैथ्स पढ़ लिए तो मेरी सिंध बोर्ड की मैथ्स और फेडरल बोर्ड की मैथ्स दोनों हो जाती है। yes. मेरी फास्ट में आने वाली मैथ्स और मेरी NED में आने वाली मैथ्स दोनों हो जाती है, सही है। तो ये आपका जो नेस्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर किसी बच्चे ने नेस्ट किया है तो लाजमी सी बात है उसने मैथ्स भी पढ़ी होगी, उसने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, उसने कंप्यूटर या केमिस्ट्री, ये ऑप्शनल होता है। कुछ स्टूडेंट इंटर में केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर पढ़ के आ रहे हैं, कुछ एलेवन में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर पढ़ते हैं। जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं नेस्ट के, बाकी यूनिवर्सिटीज में इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से टेस्ट आ रहा होता है। तो अगर आपको आसानी से समझना है कि भाई टेस्ट की प्रिपरेशन में हमने क्या क्या करना है, तो आपने ये 5 सब्जेक्ट करने हैं। नेस्ट की प्रिपरेशन कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में मौजूद तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के आप अहल हो जाएंगे। ऐसे ही भाई, ठीक है, चलिए अब आ जाए फास्ट। फास्ट में दो कैटेगरी बना दी है इन्होंने एडमिशन की, बल्कि इस दफा तो इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी है फास्ट में जो एडमिशन ले रहे हैं ये लोग। एक हो गया इनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सही है ना, एक हो गया इनका मैनेजमेंट प्रोग्राम, और एक इनका हो गया कंप्यूटिंग प्रोग्राम। कंप्यूटिंग में ये डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी और CS, ये 4 प्रोग्राम। लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लास्ट टाइम इन्होंने गेमिंग और वो भी रखा था एनिमेशन, इस दफा वो हटा दिया, इस दफा वो नहीं था। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटिंग में लेकर आ गए, जबकि लास्ट ईयर ये सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग में था। तो अब फास्ट में अगर आपने ये सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो फास्ट से आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो PEC से रिकग्नाइज नहीं है, वो सिंपल BSSE होगा, ठीक है। ये आप लोग भी समझ लें बात को, जो NED का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और जो फास्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन दोनों में फर्क आ गया। यहां से NED का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PEC से रिकग्नाइज्ड है और फास्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PEC से रिकग्नाइज नहीं है। फास्ट की कंप्यूटर इंजीनियरिंग PEC से रिकग्नाइज्ड। अब ये PEC क्या चीज होती है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। एक है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, इसकी रैंकिंग जनरल रैंकिंग कहलाती है, ये कराची यूनिवर्सिटी को भी एफिलिएट करती है, ये तमाम यूनिवर्सिटी जितनी भी पाकिस्तान में हैं उन सब का इल्हाक इससे है, एफिलिएटेड है, ये रिकग्नाइज करता है इन इदारों को ताकि ये हायर एजुकेशन की डिग्रीज दे दें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को रिकग्नाइज करता है और सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ही रिकग्नाइज करता है। तो अगर PEC की रिकग्नाइजेशन आपको मिल जाती है तो आपको लोगों को किसी को पता है क्या फायदा होता है इससे?
अगर मैंने पीसी की रिकग्नाइजेशन हासिल की है तो मुझे क्या फायदा होगा फ्यूचर में? नहीं है ना। देखें आप लोगों ने तो एडमिशन भी ले लिया है, तो पीसी की रिकग्नाइजेशन से क्या फायदा होता है वो आज आप लोगों को भी मैं इनके सामने बता रहा हूं। देखें जब आप 4 साल बाद अपने आप यहां पर रहना नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान से मूव होना चाहेंगे, तो हमारे यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंजीनियर्स को एक अलग कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे जब जाएंगे उन कंट्रीज के, तो वहां पर आपको एज अ इंजीनियर क्यू में लगने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, आप क्यू में नहीं खड़े होंगे। इसी तरह से बहुत सारे बेनिफिट, जैसे होता है ना बैंक कार्ड बना होता है, इस तरह से पीईसी का एक कार्ड बनता है। वो कार्ड आपकी शनाख्त होगा और उस कार्ड के जरिए आप बहुत सारी सहूलतें हासिल करेंगे। ये दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ये कार्ड आपको सपोर्ट करता है कि भाई आप तो माशरे के एक मतलब रिकग्नाइज लोग हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को तो नाम से ही रिकग्नाइज कर लिया जाता है कि भाई डॉक्टर साद साहब हैं, डॉक्टर रेहान साहब हैं, डॉक्टर मारिया हैं, डॉक्टर मरियम हैं, तो वो डॉक्टर नाम ही उनका क्या करता है, उनको रिकग्नाइज करवा देता है। इंजीनियर्स होते हैं उनको कौन रिकग्नाइज करता है, उनका एक पीसी का कार्ड लाइसेंस होता है। तो वो प्रोग्राम जो पीसी से रिकग्नाइज्ड है सिर्फ उनको वो मिलेगा। तो ये चीज आपको जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस वक्त देखनी होती है कि जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो ये ना हो कि हम सोच तो ये रहे कि हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, बट वो जब 4 साल बाद डिग्री मिल रही है वो पीसी से रिकग्नाइज डिग्री नहीं मिल रही है, तो बड़ा लॉस है, 4 साल का लॉस, और फिर एक आपकी आपके विजन का लॉस कि आपने जो सोचा था, जो समझा था, वो वैसा नहीं हुआ। तो ये चीज भी आपको यूनिवर्सिटीज की पहले से ही क्या करनी होगी, फिल्टर करनी होगी। तो फास्ट के अंदर 3 कैटेगरी हो गई, एक आपकी कंप्यूटिंग की, एक इंजीनियरिंग की, एक मैनेजमेंट की। इन तीनों कैटेगरी में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो एहलियत इंजीनियरिंग के लिए 60%, वरना 50+ वाला जिसकी फर्स्ट ईयर में 50% है, या एएस में ओ लेवल्स में वो 50% इक्विवेलेंस रखता है। अब 50% इक्विवेलेंस ओ लेवल्स में हर बच्चे की होती है, लेकिन बच्चा फिर भी डरा होता है, पता नहीं मेरा फास्ट में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं एलिजिबल भी हूं कि नहीं हूं, मेरे तो ट्रिपल ई आ गए हैं, मेरे तो ट्रिपल डी आ गए हैं, मेरे तो ट्रिपल सी आ गए हैं। भाई आप डर क्यों रहे हैं? आप एएस के रिजल्ट से नहीं डरे हैं? अभी आने वाला है ना 11-12 तारीख को एएस का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो तमाम ई लेवल्स के स्टूडेंट जिनके एएस के रिजल्ट अच्छे ना आए, तो प्लीज पेरेंट्स से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनको बुरा भला ना कहें, वो बच्चे बुरे भले नहीं है, वो ग्रेड सी खराब है, वो सी ग्रेड जो है वो सी खुद ही खराब है, डी खुद ही खराब है, उस ग्रेड से बच्चे के एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसने वो लेवल अच्छा कर लिया है माशाल्लाह, और ये अपने वो लेवल्स की बुनियाद पर अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकता है, बस इसको रास्ता सही दिखाइएगा। इसको अगर पाकिस्तान में पढ़ना है तो पाकिस्तान का जो रास्ता है वो मैं यहां बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान में टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के लिए आपको 60% अपने ओ लेवल्स में मेंटेन करनी होती है, उसके बाद ई लेवल्स का रिजल्ट इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज पहले ही एडमिशन लेकर क्लासेस स्टार्ट कर देती हैं। हाँ, आपका यू ग्रेड नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, क्या आपने ई लेवल्स किया और आपका यू ग्रेड आ गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फास्ट का टेस्ट क्या होता है, फास्ट के टेस्ट में क्या क्या चीज आती है, फास्ट का टेस्ट कब होता है? फास्ट का टेस्ट साल में एक दफा होता है, नस्ट के लिए मैंने आपको बताया 4 दफा होता है, जिसमें कराची में 2 दफा होता है, फरवरी और जुलाई, ठीक है। और फास्ट का टेस्ट पूरे साल में एक दफा होता है, तो फास्ट का सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? क्या आप एनटीएस? अगर आप एनटीएस दे रहे हैं तो एनटीएस की बेस पर भी क्या कर सकते हैं भाई, आप फास्ट में जा सकते हैं, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की तैयारी करते रहें, जुलाई में फास्ट का टेस्ट दे दिएगा, लेकिन उससे पहले जनवरी में, फरवरी में, मार्च में एनटीएस की कोई लिमिट नहीं है, जितना एनटीएस आपको देना है आप दे सकते हैं। तो ये दोनों रास्ते जो है फास्ट के लिए। अब तीसरा रास्ता भी आ गया है एसएटी का, कि एसएटी के बेस पे भी जा सकते हैं, बट अगेन एसएटी एक मुश्किल या भारी टेस्ट है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, मतलब फास्ट के लिए मैं कहूंगा कि फास्ट में जाना है और आपने डॉलर्स में टेस्ट की रकम देनी है। जैसे मैंने एनटीएस को इसलिए कहा कि भाई वो तो 800 रुपये फीस है यार, तो अगर 800 रुपये 3 दफा खर्च कर रहे हो तो 2400 रुपये हो गए, तो कोई मसला नहीं है, इतनी अमाउंट तो हर कोई खर्च कर सकता है, ये तो हमारे एक छोटा सा लंच की अमाउंट होती है। लेकिन एसएटी थोड़ा सोच कर तैयारी करके अच्छे से फिर आप दें, और ये चीज क्लियर नहीं है कि एसएटी की बेस पे कितनी सीट्स हैं, एनटीएस की बेस पे कितनी सीट्स हैं, ये फास्ट ने कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये आप भी ना सोचें, ठीक है। फास्ट के अपने टेस्ट में जितने एडमिशन होते हैं वो एनटीएस पे और एसएटी पे उतने नहीं होते, अभी भी ऐसे ही हुआ है, अभी कल जो रिजल्ट आया है फास्ट के अपने टेस्ट पर ज्यादा एडमिशन हुए हैं बनिस्बत इसके कि एसएटी पर या एनटीएस पे हुए, ठीक है।
अब आ जाए इसमें, ये एक आपके पास यूनिवर्सिटीज है ब्यास की, जिसमें अक्सर लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये इस्लामाबाद में, ये अक्सर लोग इसलिए नहीं जाते कि उनको नाम ही नहीं पता। कुछ लोगों से बोले सर ये ब्यास यूनिवर्सिटी क्या होती है सर, हमने तो कभी ब्यास की, क्या है ब्यास? तो कुछ तो क्लास में बोलते सर ये प्याज आलू मतलब क्या चीज है ये कभी सुना नहीं हमने। पाकिस्तान में अगर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेस्ट रिसर्च इदारा आपको देखना है तो आप इधर चले जाए सुपारको, जितने भी लोग होते हैं सब यहीं के होते हैं, सुपारको में जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ के, हमारे एलईजे डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का जिसमें रिसर्च ओरिएंटेशन होती है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी माशाल्लाह उसको हेड कर रहे थे, तो वहां पर भी जितने भी लड़के होते हैं वो ये प्यास से ग्रेजुएट होकर आते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग का है, अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल का है, तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन आपको प्यास में मिलते हैं, और प्यास अगर वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से भी देखें तो अच्छे रैंक में आपको नजर आएगी क्यूएस रैंकिंग में। पाकिस्तान में ये इस वक्त सेकंड रैंक पर लाए कर रही है, पाकिस्तान में नंबर वन नस्ट है, दूसरी प्यास है, तीसरी अब जीआई की आई आ गई है। तो अच्छा रैंकिंग जो होती है वो फील्ड्स के लिहाज से होती है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ केमिकल और मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा या कंप्यूटर साइंस की तो उसमें सबसे पहले कॉमसेट और फास्ट, फिर उसके बाद नस इस्लामाबाद, ये साथ साथ चलते रहते हैं, 1-2, 1-2-3, 1-2-3 में ये आपको रैंकिंग में मिलेंगे। तो जो फील्ड्स हैं उसको सामने रखते हुए आपने यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना होता है कि भाई अगर मुझे मैकेनिकल करनी है तो मैकेनिकल का बेस्ट ऑप्शन कहाँ है, मैकेनिकल का बेस्ट ऑप्शन नस इस्लामाबाद में, या CEME कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। तो इस तरह के ऑप्शंस को आपने अपनी लिस्ट में लिखना है, ठीक है। अच्छा इसका टेस्ट भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका टेस्ट में भी अगर आपने नस्ट का दिया है तो नस्ट में फिजिक्स भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, मैथ्स भी पढ़ी होगी, इंग्लिश भी पढ़ी होगी, ये सब इसमें आता है। नस्ट में 200 MCQs आते हैं, इसमें 100 MCQs आते हैं, तो पेपर पैटर्न चेंज है लेकिन सब्जेक्ट वही है। तो अगर नस्ट की तैयारी आपने की है तो आप ब्यास का टेस्ट भी आसानी दे सकते हैं। ये साल में 3 दफा होता है, 2 दफा कराची में होता है और 1 दफा ये रावलपिंडी में होता है। अगर आपको तीसरा भी देना है तो वो सिर्फ ऑप्शन आपको रावलपिंडी मिलेगा। अभी जैसे 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी तो वो जो तीसरे फेज की डेट थी वो रावलपिंडी की। आप में से जीआईके का टेस्ट किसने दिया? आप लोगों ने जीआईके नहीं किया था तो जीआईके में भी माशाल्लाह इस दफा जो रिजल्ट था बहुत अच्छा रिजल्ट था, वो आप लोगों ने फेसबुक पर देख ही लिया होगा। अराउंड 45 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किया अच्छे एग्रीगेट के साथ। और जीआईके में अगर आपको जाना है तो आपके पास एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, ये दोनों बहुत अच्छी है जीआईके की, अगर आप जाना चाहें। अगेन यहाँ अफोर्डेबिलिटी का मसला आता है, जीआईके की जो पर सेमेस्टर फीस है यानी जो अभी पहला चालान स्टूडेंट को मिला है वो 9,70,000 रुपए का मिला है, यानी पहला ही चालान उस बच्चे को 10 लाख रुपए का तकरीबन पकड़ा दिया गया है। फाइनेंशियल एड है, स्कॉलरशिप्स हैं, बट आपको जो फीस पे करनी होती है उसको आप सामने रखते हैं, फिर स्कॉलरशिप मिल जाए, फाइनेंशियल एड मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन क्या जीआईके की तरह कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है? तो बिल्कुल है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो मैं इन चीजों को सामने रखते हुए ही बच्चे को ये गाइडलाइंस देता हूँ कि भाई आपने अगर CS करना है और CS में आप IBA CS में जाना चाह रहे हैं और फास्ट CS में जाना चाह रहे हैं तो फास्ट की मतलब वैल्यू भी ज्यादा है, पुराना डिपार्टमेंट है, बहुत पुराना है, प्लस ये कि फी में बहुत डिफरेंस है, एक आपको 5 लाख रुपए करता है और एक आपको 2 लाख रुपए में करा रहा है, बहुत फर्क है। वालदेन पे पेरेंट्स पे बर्डन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और इस एज में आके ना ये बर्डन तो आप लोगों ने खुद ही उठा लेना है, ट्यूशंस पढ़ा के, चीजें करके, अपना छोटी मोटी जॉब्स करके, आप क्या करेंगे ये बर्डन खुद ही उठा लेंगे। ये भाई 2 लाख सेमेस्टर फीस है तो चलो 2 लाख नहीं तो 50,000 रुपए तो मैं 6 महीने में कलेक्ट करके अब्बा को दे दूंगा कि भाई ये मेरी तरफ से मेरी फीस में आ गए, ये आपने रोजाना की पॉकेट मनी तो हमने निकाल ली, रोजाना के भी तो खर्चे होंगे। तो ये चीज भी आपको सामने रखनी होती है, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी देखें और उस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ देखें, क्या उसकी इतनी वर्थ है कि आप इतना इतना अमाउंट खर्च कर दें। बहुत सारे HU टॉप यानी जो हबीब यूनिवर्सिटी इसकी बात करते हैं मुझसे तो मैं उनको भी इसमें यही राय देता हूँ कि भाई आप इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएंगे, अगर आपने CS करना है तो पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से CS कर लें, फास्ट आपको करा रहा है, कॉमसेट आपको करा रहा है, नस्ट आपको करा रहा है और बहुत बहुत अच्छी मिनिमम अमाउंट में करवा रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट भी दे रहा है, तो क्यों नहीं हम वहां से करें, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास जो इंजीनियरिंग के थे ये अब आपके पास NED आ गया है। यहाँ पर NED में 50% आपका इसमें A-levels के स्टूडेंट्स के लिए NED में सीट्स लिमिटेड होती हैं, 125 टोटल सीट्स है, ठीक है। तो NED में A-levels के चांसेस फिर कम हो जाते हैं,
इंटर वाले स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा है, और वो भी कराची बोर्ड के, तकरीबन अराउंड 1600 सीट्स हैं जो कराची बोर्ड की हैं और 125 सीट्स हैं जो इसमें इलर्स की। आगा खान बोर्ड की जो सीट्स हैं इसके अंदर वो बहुत ही कम है, मतलब एक एक दो दो सीट्स हैं। तो अगर आपने एनईडी जाना है तो आपको फिर आगा खान बोर्ड नहीं चूज करना चाहिए या इलर्स में नहीं जाना चाहिए, आप इंटर कर लें कराची से तो फिर आपका एनईडी में चांसेस ज्यादा होंगे। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 50% फर्स्ट ईयर, 50% टेस्ट, टेस्ट में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, और ये टेस्ट साल में दो दफा होता है। इस बार एनईडी ने सबको हिला दिया, किस बात से कि एनईडी ने टेस्ट बहुत जल्दी ले लिया, वरना एनईडी का टेस्ट अगस्त में होता है और इस दफा दोनों टेस्ट जुलाई की किस तारीख को खत्म हो गए, अभी एनईडी का आखिरी टेस्ट कब हो गया, 5 जुलाई को शुरू हुआ था और 7 जुलाई खत्म हो गया, 5, 6, 7 जुलाई को खत्म, जबकि इंटर के पेपर कब खत्म हुए, 1 जुलाई को इंटर का पेपर खत्म होता है और 7 जुलाई को एनईडी ने टेस्ट लेके अपना काम भी खत्म कर दिया। तो 5 दिन में तैयारी होगी। अगर किसी बच्चे ने ये सोचा कि मैं इंटर के एग्जाम के बाद कर लूंगा अपनी प्रिपरेशन और एनईडी की प्रिपरेशन करके एनईडी का टेस्ट दे दूंगा, तो भाई 5 दिन में तैयारी हो सकती है क्या? तो मतलब ये बड़ी अनोखी बात होगी अगर कोई 5 दिन में तैयारी कर ले, ये बहुत ही अमेजिंग बच्चा होगा कि 5 दिन में कोई तैयारी करके, या उसको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होगी कि वो अपना टेस्ट दे दे और टेस्ट देके अपनी पोजीशन जो है वहां पर बना ले। तो इसलिए सबके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप इस टाइम को जाया नहीं करें। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हैं, इनका बेस्ट टाइम ये होता है कि अगस्त से आप अपने आप को इसमें तैयारी में शुरू कर दें। देखें, इसमें जब आपका सेकेंड ईयर होता है ना, तो सेकेंड ईयर जहां आप पढ़ रहे हैं या जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं वो आपको सेकेंड ईयर पे फोकस करवा लेंगे, वो आप छोड़ दें, वो उनका काम है कि वो आपको सेकेंड ईयर पढ़ा के ही छोड़ेंगे। असल काम ये है कि जो आपने अभी किया है और अब वो छूट गया आपसे, वो क्या चीज है, जैसे ए लेवल्स में एएस हो गया है, अब एएस का सब्जेक्ट आपको कोई रिवाइज नहीं कराएगा, कोई रिवीजन करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैं इन टॉपिक्स का आपसे टेस्ट लूंगा और इन इनकी तैयारी करके आना, इन टॉपिक्स को तुम रिवाइज कर लेना। इसी तरह फर्स्ट ईयर जिनका हो गया, इस वक्त वो चिल कर रहे हैं, उनसे उनको अब वो सेकंड ईयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वो सेकंड ईयर कोचिंग में जाके अपना पढ़ रहे हैं और सेकंड ईयर ही पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट ईयर कहाँ गया, फर्स्ट ईयर दब गया। तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको फर्स्ट ईयर रिवाइज कराएगा, लेकिन टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में दोनों आएंगे, फर्स्ट ईयर भी आएगा सेकंड ईयर भी आएगा। तो फर्स्ट ईयर का रिवीजन जो अभी किताबें बंद की है, ये किताबें वापस खोलें और फर्स्ट ईयर का रिवीजन करना शुरू करें। इसके लिए आप 2 दिन मुख्तस कर लें, सैटरडे और संडे आप अपना टाइम निकाल लें कि आपको फर्स्ट ईयर छोड़ना नहीं है, फर्स्ट ईयर की किताबें आप रिवाइज करते जाएं और फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्या करें, सेकेंड ईयर की तो कोचिंग क्लास आप ले ही रहे होंगे, वहां टीचर भी आपको फोकस करा कर रखेंगे, तो ये फर्स्ट ईयर रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से कोचिंग सेकंड ईयर हो जाएगा, ये दोनों चीजें आपकी पैरेलल चल सकती है। भाई अब आप ये बता दें, ये पैरेलल चल सकता है नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे तो ये समझते हैं कि मैं जो है ना मार्केट कर रहा हूँ चीजों को। रेहान भाई पहले आप बताएं, क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एक साथ हम चला सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात चलाना चाहिए, मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो फिर कैसे चलाएं, कोई आइडिया नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एएस के टॉपिक्स को कैसे रिवाइज कर रहे थे आप? एएस के टॉपिक इस तरीके से रिवाइज कर रहे थे ना, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ा था आईबी क्रैक्स में, तो वो लोग जो पढ़ाते थे नोट्स रिवाइज करता था, उसके बाद वो लोग जो होमवर्क दे देते हैं एमसीक्यूज वगैरह उसको प्रैक्टिस करता था। फर्दर एप्लीकेशन में जो भी थी छाजा एप्लीकेशन, उसमें अपने रेगुलरली टेस्ट करता था मैं, ताकि अपने आपको एसेस कर सकूँ मैं ना किस कितने डेंजर जोन में लाइव कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। और फिर मतलब आप वीकली टेस्ट देते थे या मंथली टेस्ट देते थे, किस तरह असेसमेंट करते थे अपनी? वीकली होता था, जो आप वीक में पढ़ रहे हैं ना उस हफ्ते में पढ़ रहे हैं, उसके टेस्ट होते थे वीक में और मंथ में, कि जो आप पिछले मंथ ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं ना उन सबका रिकरेक्टिव टेस्ट होता था, ताकि आप उसको भी ना साथ साथ लेके चल सकते। आपने तो माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस करके काम किया सारा है, छाजों की एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर करके आपने अपने पोजीशन बरकरार की, थोड़ा सा बताएं किस तरह किया आपने? तो चैप्टर वाइज वहां पे टॉपिक्स लेक्चर्स होते हैं, तो मैं जिस दिन जिस चैप्टर का जो है वो लेक्चर देख रहा था, उसी चैप्टर के साथ में क्विज का ऑप्शन होता था, ठीक है, क्विज ले लेता था,
अच्छा वीडियो सॉल्यूशन भी देखते थे आप उसी में, वो जहां पर आप फंसते थे तो वीडियो सॉल्यूशन देखते थे। कैपेसिटी थी तो मैं वो देख लेता था, तो इसी तरह से जब भी टाइम मिलता था जिस दिन मैं कोई लेक्चर देखूं तो फिर उसी दिन सॉल्व करता था, तो उसी वक्त जाओ पता चल जाता था कि कितना जाओ समझ में आ चुका है। ये काम आपने कब से शुरू किया था? ये मैंने फरवरी में। आपने कब से शुरू किया था? अगस्त से। अगस्त से शुरू किया। तब अभी जो अगस्त आ रहा है इसमें बच्चे को शुरू कर देना चाहिए, तो वो फिर बर्डन हल्का होगा। स्पेशली ए लेवल इस बेलूम के मैं एस में था लास्ट ईयर, और ना जो एनटी टेस्ट है इसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ए लेवल में नहीं से कॉनिक्स पैराबोला। इनकी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है। हो गया हाइपरबोला, हो गया लिमिट्स, हो गए ये सब, ये चैप्टर्स है ना जो मेरी पढ़ाई करती हूं। हां मतलब ये बड़ी अच्छी आप बात की, कॉनिक्स का सेक्शन मैथ्स में ऐसा है जो कि ए लेवल्स में है ही नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दोनों में कॉनिक्स के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ने करना है, नस्ट में भी आ रहे हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में भी आ रहे हैं, लेकिन एकदम से करने बैठेंगे तो फिर वो बर्डन है। तो कैसे कर लेंगे आप? अच्छा हाँ भाई आप क्या कहेंगे? मैंने तो देखा था एनईडी के अंदर पास पेपर से ज्यादा आता है, और वो छाजा वही करा है मैंने। सही है। तो मतलब मैंने अगस्त से तैयारी स्टार्ट करी थी, उधर ही पास पेपर करा था मैं, लेकिन फिर जो 5 डेज थे फर्स्ट सेकेंड ईयर के पेपर के बाद, उसके अंदर मैंने उन्हीं पास पेपर्स को जो छाजे हुए थे ऑलरेडी अवेलेबल, उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करा, और मतलब उनके ही वीडियो सॉल्यूशन देखे जो गलत हो रहे थे, और जब टेस्ट में जब मैं आया तो लिटरली वही सवाल। अच्छा एक सवाल ना मेरे पास बच्चों की तरफ से, ये बड़ा आता है बच्चों की तरफ से भी आता है, और बाजों का टीचर्स के जो टीचर्स के जो बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं वो हमारी जब पढ़ती हैं, अभी जैसे उसके दो टीचर्स हैं, उनके दो साहबजादे हैं वो हमारे पास आना चाह रहे हैं, तो उनका ये था कि सर ये बताएं कि ये इनका A2 तो डिस्टर्ब नहीं होगा, या वो इंटर कर रहे थे तो कहते हैं सर वो सेकेंड ईयर तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या आप जब सैटरडे संडे क्लास लेते थे यहाँ पर, तो क्या ऐसा होता था कि आपका इंटर डिस्टर्ब हो रहा था, और वो जो इंटर डिस्टर्ब हो रहा था उसका अब आपको कोई असर महसूस हो रहा है कि भाई वो डिस्टर्ब हुआ तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया कोई आपको? सर सैटरडे संडे को हम पढ़ते थे और उधर ही वो वाइंड अप हो जाता था बिल्कुल, और एक दफा टेस्ट हो जाता था हफ्ते में वो एटलीस्ट 1 आवर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, और अगर होता भी है तो सर सेकेंड ईयर का रिजल्ट मैटर नहीं करता ना ज्यादा। ये जो बात मैंने अभी कही इन लोगों को समझाने के लिए कि भाई देखें सेकंड ईयर तो आपको पुश करने के लिए कोचिंग सेंटर मौजूद है ना, वो आपको पुश करेगा क्योंकि आप वहां पढ़ रहे हैं, वो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाएगा, मैथ्स भी पढ़ाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर कोई नहीं होगा जो आपको कहेगा कि भाई ये किताब उठाओ और इसको रिवाइज करो, ये भी टेस्ट में आनी है, ये रखने की नहीं है। तो क्या फर्स्ट ईयर से ज्यादा टेस्ट में आता है या सेकेंड ईयर से आता है? दोनों से आता है, ये कोई नहीं कह सकता कि भाई फर्स्ट ईयर से ही आएगा। अब जैसे एनईडी के टेस्ट है, एनईडी के टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, सही है, दिन में 4 टेस्ट होते हैं, 5 जुलाई को भी टेस्ट है, 6 जुलाई को भी टेस्ट हुआ, 7 को भी। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दे, भाई अगर मैं इंपॉर्टेंट बता भी रहा हूं तो हो सकता है जो 5 जुलाई को टेस्ट था उस दिन तो उसके वो आ गए, 6 जुलाई को दूसरा बच्चा मुझे कहता है सर ऑर्गेनिक बोला था आपने पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक का 1 क्वेश्चन नहीं था। तो भाई ऐसे ये शफल होके आ रहा है पेपर। तो ऐसे पेपर की तैयारी के लिए जहां पर आप शफल करके पेपर को देख रहे होते हैं तो फिर वहां पर तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, और सब कुछ पढ़ने के लिए फिर बहुत टाइम भी चाहिए। तो अगर आप अगस्त से स्टार्ट ले रहे हैं तो यानी कि आप बिल्कुल अपना जो फर्स्ट ईयर बस खत्म ही हुआ है और उसके बाद से आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और जो चीज आपने याद की हुई थी उसको याद करने में दोबारा दोहराने में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। सही है ये बात। रेहान साहब नस्ट के बारे में बताएं, नस्ट की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है, जैसे माशाल्लाह आपने 157 स्कोर किया है, ऐसे मैंने गोपाल प्रकाश से पूछा था, हमारा गोपाल प्रकाश जो है आज तक का कराची का बेस्ट स्कोरर है, कराची में सबसे बेस्ट जो नस्ट में स्कोर किया है वो गोपाल प्रकाश ने 2019 पीएफ चैप्टर सिटी बीएफ चैप्टर का बच्चा था वो, और उसने 173 स्कोर, और वो बच्चा माशाल्लाह मतलब वो वैसे ही ना, मैं उसको जब 2-3 दफा मैं मिला क्लास में भी जाके उससे मिला तो मुझे लगा उसके दोस्त भी यही बोल रहे थे सर इसको छोड़ दें आप, ये हर वक्त पढ़ता रहे। तो नस्ट में जो स्कोर करना है उसकी थोड़ी सी तरतीब बताएं कि क्या करना चाहिए। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई जितना जल्दी आप किताबें उठा लें आप तो आप नस्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो यही अगस्त में स्टार्ट कर दें, सही है। लेकिन नेसेसरी नहीं अगस्त में स्टार्ट करो, आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि दिसंबर में स्टार्ट करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सही है। लेकिन जनरली अगर आवाम को देखा जाए तो उनको अगस्त सेप्टेम्बर में निकाल लेना चाहिए। सही और फिर उसके बाद भी ऐसा सीन है कि आप ये नहीं सोचो कि आप नस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर में मसले मसाइल होंगे, क्योंकि इससे नुकसान से ज़्यादा फायदा होता है, आपका माइंड खुलता है। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल सेकेंड ईयर का बच्चा है वो, उसको ना एक रटने वगैरह की आदत लग गई है इंटर के सिंध बोर्ड के हवाले से देखें, तो ईकेट वगैरह जब पढ़ता है ना उसका माइंड खुलता है, और ये कहते हैं ना माइंड और ज्यादा ना मतलब वास्ट होता है, सही है, और उससे उसको फायदा ही होता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उसकी बेहतर हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल। अच्छा ये चीज वीडियो देख के हो सकती मुश्किल है बहुत। है, अक्सर बच्चे ना थोड़ा सा इस तरफ आ गए हैं अभी कि वो ये समझते हैं यार से वीडियो देख लूंगा तो ये काम बन जाएगा। तो वीडियो देखना 2 घंटे टीचर को, मतलब ये आसान बात है? सर वीडियो देखते वक्त आप ऑनलाइन में ना तो आप थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है एज पर इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन पर्सन की अपनी चॉइस होती है, कोई ज्यादा ऑनलाइन से सीखता है कोई इन पर्सन से सीखता है, तो जो अपनी किसी कंफर्मेबिलिटी में होता है तो फिर वो कर सकते जो हैं। जिसमें ज्यादा कंफर्ट है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लाइव बैठे हुए, यही बात अगर मैं जूम पर करता तो इतनी इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, हम इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड नहीं होते। तो जो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको क्या करता है भाई, इन तमाम टेस्ट में सपोर्ट करता है। टीचर भी मोटिवेट करते हैं टीचर्स की बेसिकली। मोटिवेशन होती है, वो बात बात पर आपको डांट भी रहा होता है, बात बात पर आपको थोड़ा सा टॉन्ट कर रहा होता है कि भाई क्या हो गया, ये तो मैं समझा चुका हूँ, ये भी नहीं आता तुम्हें, तो वहां तो पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर कंक्लूजन यही है कि भाई आपने अगर पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में, जो कि मैंने आपको लिस्ट बताई है, इसके अलावा भी एयर यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, और कॉमसेट है, आईबीए है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो टेस्ट देना होता है, और टेस्ट के लिए फिर आपको पहले से फिक्र करनी होती है। फिक्र कर लें, आप फिक्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा एनटीएस की बेस पर अक्सर ये सवाल आता है कि एनटीएस सर मैं टेस्ट क्यों दूं, और एनटीएस अगर मैं दे देता हूं, एनटीएस में अच्छा स्कोर कर लेता हूं, तो मैं कहां कहां एलिजिबल होऊंगा। तो आज ही मेरे पास 2-4 मैसेज आए, जब पास्ट में एडमिशन उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि सर हमने कॉमसेट और आईएसटी में अप्लाई किया था तो वहां हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपने अगर एनटीएस का स्कोर दिया हुआ है तो वो आपको जैसे ही ऑफर लेटर वहां पर अनाउंस करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, आपके पास भी ईमेल आ जाएगी। तो आईएसटी, आप लोगों ने सुना हुआ आईएसटी का नाम सर क्या, थोड़ा बताएं। ठीक सर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है अंदर एवियोनिक्स ठीक है एरोनॉटिकल ठीक इंजीनियरिंग एरोस्पेस है। वगैरह, सर मुझे इसी फील्ड की तरफ जाना था नस में भी और एनईटी के अंदर मैकेनिकल, तो सही है सही मैंने इसी वजह से दिया था एनटीएस है और मेरे 80 नंबर आए थे, मतलब कम थे लेकिन आईएसटी के लिए सही थे। सही है। तो अभी अगर आपका आईएसटी में भी हो जाता है, एनईडी में तो हो ही चुका है, एनईडी में आप हाईएस्ट स्कोरर हैं तो एनईडी में तो हो गया कंफर्म, लेकिन अगर आईएसटी से भी आपको लेटर मिल जाता तो अब आप क्या करेंगे? सर मैं प्रॉब्ली आईएसटी प्रिफर करता हूँ। माशाल्लाह ठीक है। तो देखें ये बड़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं आईएसटी के अंदर, एवियोनिक्स की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और अक्सर बच्चे बहुत मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं आते, वो छोटे से दायरे में रह के जब सोचते हैं तो वो कहते हैं यार पाकिस्तान में इनका क्या काम। भाई पाकिस्तान का क्यों सोच रहे हो, दुनिया में तो काम है ना, तो आप दुनिया का सोचें। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ भाई वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी को सर्च करें, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, क्योंकि आपने तो कॉम्पीट वर्ल्ड के साथ करना है ना। आप पाकिस्तान के साथ अगर अपना कॉम्पिटिशन बनाएंगे तो बड़े कमजोर कॉम्पिटिशन होगा, आपको तो भाई दुनिया के साथ कॉम्पीट करना है, आप ऐसे अपने आपको सोचें। तो आईएसटी का ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एरोस्पेस में, एवियोनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इस साल पूर गई, लेकिन वो आता है आईएसएसबी के थ्रू, कि एयरफोर्स से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एयरफोर्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ होता है, आईएसएसबी देना इतना आसान नहीं होता, तो वो लेकिन अप्लाई करना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ दें। हम ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी फौज में कराची के लोग तो है ही नहीं, भाई कराची के लोग अप्लाई नहीं करते, उन्होंने कौन सा कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, वो अप्लाई तो करें। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप मैक्सिमम ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई करें, तो ये एनटीएस का टेस्ट भी आप जरूर दें ताकि आपकी ये ऑप्शंस बन जाए। अच्छा ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के टेस्ट के लिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई हुई है कि इसमें एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट वही होता है जो आप अभी हम सब बातें कर रहे थे कि नस में मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो इनका भी एंट्री टेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट पर होता है, फिर एक इंटरव्यू होगा, फिर एक आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आईएसएसबी का टेस्ट होगा।
तो आईएसएसबी के लिए 4 दिन के लिए आप मलीरकंठ जाएंगे, ये वीगो में लेके नहीं जाएंगे आपको, आपको अलग से जाना होगा, ठीक है। वहां जाकर आपको रहना होगा और बहुत एहतमाम के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको वहां पर रखेंगे, और आखिरी दिन में आपका एक फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका एक फाइनल मेडिकल होगा। अगर आप ये सारा क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के थ्रू नस्ट में पढ़ेंगे, बगैर फीस के पढ़ेंगे और उनसे सैलरी भी लेते रहेंगे। तो ये लेकिन इनके साथ एक बॉन्ड साइन होता है कि वो बॉन्ड ये कहता है कि भाई अगर आपने 4 साल बाद हमें छोड़ना है तो जितना फाइनेंशियल हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारा का सारा आपने क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो वो बॉन्ड साइन करा के फिर ये आपको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के थ्रू भी इंजीनियरिंग की डिग्री नस्ट से दिलवा देते हैं, नस्ट के इदारे से आपको डिग्री मिलती है। तो ये एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए, ठीक है। स्कॉलरशिप्स, सबसे पहले तो साथ भी आप बताएं, आपको स्कॉलरशिप मिली है एनईडी में? कौन सी स्कॉलरशिप मिली? बिना मेरिट जीना मेरिट। कितने परसेंट? 100%, माशाल्लाह। अब आपको फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी, सिर्फ एडमिशन फीस सिर्फ एडमिशन। का, क्यों मिली भाई आपको ये तरह एहसान एनईडी क्यों कर रही है आप पर? मेरिट पोजीशन की वजह से और ये मेरिट पोजीशन आपने कैसे ली? पहले जो फर्स्ट ईयर की प्रेजेंटेशन के बाद फिर छाया से तैयारी की थी तो मतलब आपने मेहनत की है, अल्लाह ने आपको उसका सिला दे दिया है। अब इसमें खुशी डबल हो गई ना। एक तो एडमिशन होना होता है, लोग तो एडमिशन होता है तो उस पर भी मिठाई तकसीम कर देते हैं कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया एनईडी में। यहाँ तो ये यह है कि स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हुआ भाई, यहाँ तो मतलब जबरदस्त हो गया ना काम। इसीलिए इसका नाम इन्होंने ना सुपर स्टार रखा है कि आज के हमारे ये सारे सुपर स्टार हैं, इन्होंने माशाल्लाह बड़े काम किए। फास्ट में आपने मालूम किया, आप करें, हाँ आप ईमेल करेंगे और आप उनसे मालूम करेंगे सर मेरा तो माशाल्लाह इतना अच्छा एग्रीगेट है तो मेरा टॉपर्स में अगर टॉप 3 में नाम आता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें, ठीक है। इसी तरह आईबीए से, आईबीए में आप अप्लाई करेंगे कि भाई मेरी फर्स्ट पोजिशन थी और इंशाल्लाह मैं जीपी भी अच्छी मेंटेन करूंगा तो वहां पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स की जो चांसेस होते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो टेस्ट के अंदर, जो एडमिशन के अंदर, जो मेरिट पोजीशन में टॉपर्स में होते हैं। नेक्स्ट में आपको पता है कैसे स्कॉलरशिप मिली? टॉप 15% होती 15% स्कोरर। अगर आप टॉप 15% स्कोरर हैं तो नेक्स्ट में भी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो मेरिट बेस्ड, ये नीट बेस्ड नहीं है, ये नीट के ऊपर नहीं दिया जा रहा। कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है ना तो रख लें सर आप, ये तो आपका रिवॉर्ड है, ये आपने इतनी मेहनत की है इसलिए ये हम आपको ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट होता है। एक होती है नीट बेस, ये जो सामने लिखी हुई है सारी नीट बेस, कि अगर आपकी नीड है तो फिर आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी का एक करियर डिपार्टमेंट होता है, करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहां पर सूबे की कुछ फंड्स आए होते हैं, प्रोविंशियल फंड्स, उन फंड्स में से वो उन स्टूडेंट्स को जिनको फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको वो स्कॉलरशिप दी जाती है। वो स्कॉलरशिप उस वक्त मिलती है जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन हो गया और फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इतनी जीपीए मेंटेन कर ली है कि आप उनको ये बता सकते हैं कि सर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं, मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सिंध में अगर आप हैं तो सीफ के थ्रू, फेडरल गवर्नमेंट एहसास के थ्रू, और अगर आप मेरिट बेस अगर ले रहे हैं तो डोनर्स के थ्रू आप ये स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। तो आप लोग भी जब यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आप लोग तो माशाल्लाह मेरिट वाले ही हैं तो मेरिट भी मिल जाएगी, वरना तो अगर मेरिट पर पोजीशन अगर आप ना ले पाए तो फिर आपके पास क्या चांस है कि आप यूनिवर्सिटीज में इस तरह भी स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। चलें भाई, ये मैं इन लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन बस थोड़ा सा और पॉइंट वाइज मैं और कर लेता हूँ। एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, व्हाई प्रिपरेशन नीड, ये हम अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपरेशन की क्या जरूरत है? प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार ए लेवल्स मैंने किया है मुझे प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, टेस्ट प्रिपरेशन क्यों करूं मैं? पर इसी जरूरत है क्योंकि अभी से मैं नस्टिक करने लगे तो आपके पास है 200 MCQs और आपके पास आवर है 3 आवर्स तो क्या हो गया 180 मिनट्स। ठीक है, 200 MCQs 180 मिनट तो टाइम मैनेजमेंट एक चीज तो आ एक गई। इसके लिए आपको शॉर्ट पेपर पता होनी चाहिए और आपकी मतलब एनालिटिकल सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आप जितना सॉल्व जितना प्रिपेयर करेंगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुला आगे इस तरीके से भी सकता है। सही है, और वो ना क्वेश्चन जीरो थे वो
आसान होते हैं वो, अगर आपने वो प्रैक्टिस की तो आसान होती है, लेकिन जो नहीं प्रैक्टिस करें वो उसको सॉल्व करने में फंस जाएगा और सिर्फ 2 से 3 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, जो 10 सेकंड में भी हो सकता सही है. लाइक नस्ट में अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चन है मैथ्स के, और इसमें जो सबसे मुश्किल चीज है, सबसे मुश्किल चीज वो है कैलकुलेटर का ना होना. बगैर कैलकुलेटर आपको कह रहे हैं भाई ये सब कर लो. अब आपको पहले तो आदि बनाया 12 साल कि भाई हर चीज कैलकुलेटर से करो, हर चीज कैलकुलेटर से करो, और अब एंड में आगे क्या करें, कैलकुलेटर दे दो और अब करके दिखाओ, तो ज्यादती है तो. लेकिन हम इस ज्यादती को रोएंगे नहीं, अगर रोएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते. हम क्या करेंगे, उसकी तरतीब ढूंढ लेंगे कि भाई ये बगैर कैलकुलेटर के ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स एक दफा जरा किसी की गाइडलाइंस में बैठ कर पढ़ लें, समझ लें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा. तो हल हुआ भाई ये, अगर हमने मैथ्स पढ़ी है एप्टीट्यूड में तो हमारी ये मसले हल हुए, हो गया था. और अगर आप सिर्फ इंटर करके इस मैथ्स को करते तो ये हो जाता, टाइम मैनेजमेंट का ही मसला होता, माइंडसेट भी इस तरह डेवलप नहीं होता. और एक हो गया टाइम लिमिट्स का, एक हो गया विदाउट कैलकुलेटर. नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कहाँ थी, किस टेस्ट में, फास्ट के टेस्ट में. तो फास्ट के टेस्ट में मैंने 2-3 वॉइस नोट इसीलिए ग्रुप में कहते हैं कि भाई आप लोग इसको जो है देखना कि जो नहीं आता ना छोड़ देना. और फास्ट के टेस्ट में इस दफा तो फिर भी ये क्लियर हो गया था पहले दिन ही कि भाई वो इंग्लिश में भी नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, वरना तो वो बताते ही नहीं थे, उनका पता ही नहीं चलता था किस सेक्शन में वो नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं. तो इस दफा तो ये क्लियर हो गया था. लेकिन इस दफा का जो एग्रीगेट है, ये मैं आप लोगों के लिए सबके लिए एक न्यूज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई इस दफा का एग्रीगेट मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चला गया. ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 64-65 तक भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फील्ड मिल जाएगी, तो कल ऐसा नहीं हुआ, कल ऐसा नहीं हुआ है. 64-65 वाले बच्चे बैठे हुए थे और उनको कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड नहीं मिली है. तो ये जो रिजल्ट होते हैं ये आपको ये बता रहे होते हैं कि अगले साल अब बच्चों ने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है, कि अब आपने कम से कम ये सोच लें कि फास्ट के अंदर एडमिशन लेना है तो 70% एग्रीगेट के साथ लेना है, कि 70% आप मिनिमम अपना रख लें कि आपने कम से कम तो इतना बनाना है. ये लोग तो माशाल्लाह 80s वाले हैं, लेकिन बाकी भी अगर हमारे जितने भी एडमिशन हुए हैं तो वो 70% वाले थे तो एडमिशन हुआ, और अगर वो 62, 61, 59 इस तरह का एग्रीगेट तो उनका एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, तो ये आप लोग ने सबके लिए एक एक जो है ना वो एक न्यूज है कि आप लोग इसका ख्याल करें. अच्छा, क्वेश्चन जिन जिनके आ रहे हैं वो इंशाल्लाह अभी हम बस ये सेशन एंड करके ना आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अच्छा, अभी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इस बात का ये प्रिपरेशन करने का कि भाई आप प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ अगर कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल रहन भाई, अगर कॉनिक सेक्शन आपने एलेवन में नहीं पढ़ा था, आप ये खुद पढ़ते या आप यूट्यूब से आप वीडियोस देखते तो आपको ज्यादा टाइम लगता, या वकास भाई ने आपको पढ़ा दिया तो कम टाइम लगा, वो जब आप आया वकास ने एक चैप्टर निकाला टीचर ने कट 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 ऐसे करके लगा दिया, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल था, या आप खुद से करते, किताबें लेते, MCQs निकालते, खुद करते, कौन सी बेहतर स्ट्रेटेजी होती? जहाँ आपको आप फंसते थे तो वहां पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता था कि भाई कि ये इस तरह से होगा ना, इसको इस तरह से कर लें आप. ठीक है रायन भाई, ओ ज़हीन भाई, सर जैसे कुछ टीचर्स की गाइडलाइन जरूरी है कि नहीं, इस पे सवाल होगा. ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर अगर आप पूरा भी पढ़ लो ना आप उसके MCQs नहीं सॉल्व कर सकते. सही है. तो टीचर्स वो MCQs बेस्ड कराते हैं कि ऐसा MCQ आएगा तो आप ऐसे तैयारी करो. सही है. तो ऑब्वियसली अगर आप कॉनिक सेक्शन पूरा पढ़ लोगे, आप जैसे नस में सवाल आते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आप नहीं कर सकते ऐसे. तो वो जैसे सर वकास ने हमें पढ़ाया था तो वो शॉर्ट ट्रिक्स थी और ऐसा था कि हम देख के पहचान सकते थे कौन सा कॉनिक है और कौन सा नहीं है. ठीक है रहन भाई, बिल्कुल जरूरी है, और यही बड़े बहुत बड़ी वजह है कि छा जाओ, और इसके अलावा बाकी जो ऐप्स है उसमें BD सॉल्यूशन मौजूद है कि जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी आप अपने आपको पहचान के सो कि इसका बेटर वे क्या है, या फिर आप सही भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो गाइडेंस तो बहुत जरूरी है. कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नहीं है, उसी रट्टा मार के आ रहे होते हैं,
मतलब जो रट्टा मार के पढ़ते हैं वो तो मतलब नजर नहीं आ के वो पास भी हो सकते हैं ना। एनईटी में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं जबकि टेस्ट इजी होता है। इससे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जब सिर्फ रट्टा मार के आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सही आई थिंक जब यहाँ पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट भी पता चलता है, ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इस टाइम जो उन्होंने दिया हुआ टाइम लिमिट है, जैसे एनईटी की 100 मिनट है तो 100 मिनट में सेम चीज उसको कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकते जो सोचने में जरा टाइम लगता है कि भाई इसको इस तरह से सोचते हैं उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम का जो भी होता है कुछ बच्चों के लिए। तो आई थिंक उनको ज्वाइन करना चाहिए और शुरू से ही ज्वाइन करना चाहिए कि ये एक वाइड ऑप्शन है। पढ़ाई तो जरूरी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने के लिए आपको फिर टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, वरना कभी तो सब कुछ जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर आप जो है वैसे ही बैठ रहेंगे, फिर बच्चे कैपियल लेते हैं तो उनका एक साल जो है वो जाया हो जाता है, फिर वैसे ही बैठे बड़ी रहेंगे। जबरदस्त बात की आपने कि हाँ अब जो लोग आज मेरे पास 2 या 3 मैसेज ऐसे थे जो उन्होंने यही ऑप्शन लिया है कि सर हम गैप ईयर ले रहे हैं, अक्सर इसमें इलेवंथ वाले स्टूडेंट्स हैं कि 11th वाले स्टूडेंट्स फिर कहते हैं सर हम गैप ईयर ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम दोबारा फास्ट में अप्लाई करेंगे। तो गैप ईयर का मतलब है 1 साल, अपनी जिंदगी का 1 साल आपने वेस्ट कर दिया, जाया कर दिया। तो वक्त पर अगर आप तैयारी कर लेंगे, वक्त पे आप सही एक्शन ले लेंगे तो आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे, अपनी अपना टाइम भी बचाएंगे और अपने आप को भी बचाएंगे। दूसरा एक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि कुछ ना कुछ ऐसे बुजुर्ग हजरात जो हैं वो ये बात करते थे कि भाई अच्छे लोगों में शामिल हो जाओ, सच्चों में शामिल हो जाओ। तो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है ना वो आपको ये वाला कंपटीशन देता है। फॉर एग्जांपल मैं घर पर अगर बैठा हुआ हूं या मैं अकेला बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं अपनी ही दुनिया में हूं, मुझे नहीं पता कि ये मैथ्स का पेपर आसान कितना और मुश्किल कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर रयान भाई को मैंने दिया, इन्होंने घर पे सॉल्व किया, 100 में से इनके 56 मार्क्स आए। अब इसको ये अच्छा समझे बुरा समझे क्या समझे, ये हो सकता है ये सोचे भाई पेपर बहुत मुश्किल था, तो पेपर जब बहुत मुश्किल था तो इसलिए मेरे मार्क्स कम है। लेकिन अगर ये आप चारों को मैं क्लास में बैठ के दूं, अब रेहान साहब का 56 है, आपका 66 है, आपका 76 है, इनका 86 है, तो आप लोग ये सोचेंगे ना यार ये 86 ला रहा है तो फिर तो मेरा 56 बहुत कम है। ये वाला जो कंपटीशन है वो आपको ये सिखाता है कि भाई मैं पीछे हूं, मुझे मजीद मेहनत करनी है। तो वो जब अच्छों के साथ आप बैठते हैं और उन लोगों के साथ के जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, फिर आपका भी दिल करता है कि मैं भी तैयारी करूं, मैं भी पढ़ूं। तो ये एक आपको एक साइकोलॉजिकली आपको जो है वो पुश मिलता है कि भाई मुझे भी करना चाहिए, और टीचर भी आपको इसी बात पर क्या करता है लेके चल रहा होता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, देखें दूसरों को। अभी अभी हमारी शुरू में बात हो रही थी कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनईडी में 38 सीट्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो 38 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, क्या वो सब कामयाब हो जाएंगे? उनमें से भी कंपटीशन होगा और कोई 10-12 इंजीनियर्स ऐसे निकलेंगे जो कि टॉपर्स होंगे, मतलब वो स्पार्क करेंगे, वो उनके लिए जो है वो कंपनीज अपनी सीईओ की जगह बना के रखेगी कि भाई ये तो यहां पर आएंगे, ये लोग तो वो हैं। तो आप उनमें शामिल हो, आप अपनी कोशिश जो है वो ऐसे लोगों में शामिल होने के लिए करें, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, मेहनत की जाती है, तो अल्लाह ताला वो रास्ते भी खोल देते हैं, रास्ते भी बन जाते हैं। तो एक तो चीज ये है कि भाई आप प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ और एक ऐसे माहौल में अपने आप को डाल दें कि जो आपको इस चीज से भगाए नहीं बल्कि इसको इसके अंदर लेके चले कि भाई ये प्रिपरेशन करनी है और ये तैयारी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी, ठीक है। दूसरी चीज एक मिथ होती है कि भाई हम सेल्फ स्टडी करके जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, ये काम तो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, ये मैथ्स भी पढ़िए और ये फिजिक्स भी पढ़िए, ये इंग्लिश भी पढ़िए। तो ये जो मिथ है इसको इस तरह से आप समझ लें, जो लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी करना है बिल्कुल सही कहते हैं, बगैर सेल्फ स्टडी के कुछ हो ही नहीं सकता। दो चीजें, एक है कोर्स और एक है प्रिपरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई जानता आप में से? सर कोर्स वो है जो आप आपका जो मेरिट है वो आपने कर ली, सही है, आपने सर से रीडिंग कर ली, आपने मतलब उस पर सही ये है, आपकी 8वीं लेवल बीएस लेवल और इंटर में काम आते हैं क्योंकि वो थ्योरी होती है आपको जवाब लिखना होता है। ठीक अब यहाँ है एंट्री टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ एमसीक्यूज है सही है, है, तो यहाँ आपको प्रिपरेशन करनी है, पढ़ना भी आपको, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी करनी है और टीचर की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। अच्छा जैसे टीचर बता रहे हैं वैसे जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपके लिए आसानी, क्योंकि एमसीक्यूज है ना तो ठीक है उसमें आप थ्योरी तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए साथ पे आप क्या कहेंगे? कोर्स लाइक जो हमें पढ़ाया जाता है बेहतरीन। कोचिंग में और प्रिपरेशन वो जो घर पे सब चीज पे टीचर कितना सिंपल कर दिया आपने, है इतना जबरदस्त और सिंपल आंसर साहब ने दे दिया। कोर्स वो जो कि टीचर ने आपको पढ़ाया और प्रिपरेशन वो जो आपने खुद की घर जाके पढ़ लिया, याद कर लिया, वो प्रिपरेशन हो गई। अब अगर मैं कोर्स नहीं करता, मैं टीचर की सुनता ही नहीं हूँ टीचर क्या बोल रहा है और अपनी मर्जी से जो मुझे आता है वो मैं कर लेता हूँ, तो इससे भी अच्छा स्कोर नहीं आ सकता कि सिर्फ सेल्फ स्टडी कर ली या सिर्फ जो टीचर ने पढ़ाया आपने अकेडमी ज्वाइन कर ली और आपने सोचा अब तो मेरा नेक्स्ट में एडमिशन हो जाएगा भाई, अब मैं बस आई बी ग्रेड आ गया हूँ, आई बी ग्रेड वालों ने बोला था कि बस तुम हमारे पास आ जाओ हम तो तुम्हें पहुंचा देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। दोनों जरूरी है, टीचर का पढ़ाना भी जरूरी है और आपका पढ़ना भी जरूरी है। जो टीचर पढ़ाएगा ये कोर्स होगा, जो आप पढ़ेंगे ये प्रिपरेशन होगी, तो इन दोनों चीजों के साथ अगर आप चलेंगे तो इस मिथ से दूर रहेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद पढ़ना चाहिए या मुझे अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये तो बात ही नहीं है भाई। आपको खुद भी पढ़ना है, आपको अकेडमी भी ज्वाइन करनी है, जब जाकर आप क्या करते हैं आप सक्सेसफुल एडमिशन हासिल कर लेते हैं। ठीक है चलिए ये हो गया, इसके बाद आपके पास आ जाए, ये कुछ रिजल्ट्स थे हमारे लास्ट ईयर के, अभी तो हमने 2024 के नहीं बनाए रिजल्ट्स, हमने डिजाइन नहीं किए, बाकी रिजल्ट हमारे सामने मौजूद हैं, इन पर्सन मौजूद हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने कोशिश की यहाँ तक पहुंच गए, इन लोगों का बहुत शुक्रिया कि ये खुद यहाँ पर आ गए, कि रिजल्ट्स तो हमारे यही हैं इस साल के, कि ये इस साल की अगर आप बात करें 2024 के तो डिटेल रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को फेसबुक पे मिल जाएंगे, ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है 2023 के रिजल्ट दिखाने की भी एक मैं बात बताऊं, मुझसे अक्सर ना टीम हमारी पूछती है कि सर आप ये रिजल्ट शो करते हैं तो अजीब सी बात नहीं लगती कि आप कहते हैं यार हमारे इतने बच्चे गए इतने बच्चे गए, इससे क्या मतलब है? मैंने कहा भाई ये भी मोटिवेशन होती है, अगर बच्चे को मैं ये कहूँ कि नष्ट में जाना जो है, नष्ट की अगर परसेंटेज निकालें ना, परसेंटेज कैलकुलेट करें, ये भी एक सुन लें ये लोग सब, आप लोग नोट कर लें बात, 2 लाख बच्चा है जो नष्ट में हर साल टेस्ट देता है, कितने बच्चे हैं 2 लाख, तकरीबन 3,000 सीट्स, डिवाइड कर लें आपको परसेंटेज मिल जाएगी, 2% चांसेस नहीं है, 2% एक बच्चे के नष्ट में होने के 2% चांस नहीं है, उन 2% में ये हजरात बैठे हैं, तो ये बड़ी बात हुई छोटी बात हुई? तो अगर मैं ये कहता हूँ यार 2% चांस नहीं है तो बच्चे दूर भाग जाते हैं, कहते हैं यार 2% में हमारा का नाम आएगा, 2% तो फिर बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर ये रिजल्ट दिखाना पड़ता है कि भाई देखो नष्ट में इतने बच्चे गए थे, नष्ट में इतने बच्चों का हो गया था, फास्ट में इतने बच्चों का हो गया था, एनईडी में इतने बच्चों का हो गया था, तो फिर वो बच्चे को मोटिवेशन दिए अच्छा भाई हो सकता है, अच्छा पॉसिबल है, ये नहीं है कि ये मुश्किल है या नहीं हो सकता। जैसे इस वक्त हमारे यहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स का यही रुझान है, जिसको भी बोलो कहता होता ही नहीं, ISS भी हम क्लियर कर ही नहीं सकते, तो अगर हमने इस पर थोड़ा सा फोकस किया और बच्चों को इसकी तरफ लेकर आए और वो बच्चे जाने लगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कराची से काफी लोग आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स में मौजूद होंगे, जो आज हम समझते हैं हम लोग फिक्र करते हैं कि यार हम कराची से कोई लोग ही नहीं है, तो ये हम लोगों की फिक्र की जरूरत है, हम जिस चीज की फिक्र करेंगे इस पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे। तो ये आज का सेशन था, ये भी 2023 के हैं, इंशाल्लाह इसी तरह की हमारे जो रिजल्ट्स हैं 2024 के वो आपको फेसबुक में मिलेंगे। अच्छा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये ऑप्शंस हमने बिल्कुल ओपन रखे हैं, इन पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। देखें हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे बेहतर ऑप्शन जो है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हम सब छाजाओ वाले और आईबी ग्रेड्स वाले मिलकर इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि बच्चा हमारे सामने आ जाए हमारी क्लासरूम में आ जाए, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होता, ताकि हम उसको पकड़ के पढ़वा देते हैं, हम कहते हैं यार भाई अटेंडेंस पॉलिसी आप लोगों ने बर्दाश्त की है हमारी, है भाई कितने नोटिस मिलते थे अटेंडेंस पे कि बच्चे नहीं आ रहा है, आपकी 5 छुट्टी हो गई तो आपको निकाल देंगे, आपकी इतनी हो गई तो ये कर देंगे, तो भाई ये सख्ती जो है ना ये सख्ती सिर्फ इसलिए थी कि आप क्लास में आ जाए, पहला काम ये है कि क्लास रूम में आ जाए, उसके बाद टीचर आपको कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तो करा ही दे, कुछ ना कुछ करके, हम नहीं कह रहे कि 100% आप जो सारा कुछ कर लोगे लेकिन कुछ तो कर लोगे, तो वो जो घर में बैठा हुआ बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मगन है उसको वहां से निकालना सबसे पहला काम,
तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो इतने सारे ऑप्शन हैं उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्लासरूम में आए और क्लासरूम कोर्स लें, क्लासरूम पढ़ें। अगर हमारे तक इस बच्चे की रसाई नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल हमारे 6 कैंपस हैं, हमारा DHA में भी कैंपस है, भाद्रबाद में भी कैंपस है, गुलशन में भी है, नॉर्थ में भी है, जौहर में भी है, मलीर में भी है, इन तमाम जगहों पर कैंपस हैं, लेकिन गार्डन में नहीं है, गोलीमार में नहीं है, औरंगी टाउन में नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे उन जगहों पर कैंपस नहीं है, वहां से ट्रेवल करके आना आपके लिए मुश्किल है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि लाइव क्लास लें, ठीक है। अभी तक मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पर नहीं लेके जाऊंगा, आप लाइव क्लास लें, ऑनलाइन क्लास लें, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट टीचर को उस वक्त में सुने तो, और जो वो कह रहा है उसके अंदर अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसका सवाल कर लें आप कि भाई ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये नहीं करें कि आप एक टीवी खोल के बैठ गए, अब जो वो बोल रहे हैं आप सुनते जाएं, ये वाला ऑप्शन नहीं। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका होगा कि क्लासरूम क्लास, दूसरा ऑप्शन होगा आपका लाइव क्लास। अगर आप लाइव क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है, आप कह रहे हैं आप 7 दिन जो हैं, 7 दिन मैं मसरूफ हूं, मेरी स्कूल की क्लासेस हैं, मेरे कॉलेज की क्लासेस हैं, मेरी कोचिंग की क्लासेस हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो सर आप मुझे कोई और ऑप्शन दे दें, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर, कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है और रिकॉर्डेड लेक्चर से वो अपनी तैयारी को कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्लासरूम, दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन, तीसरा रिकॉर्डेड लेक्चर, और इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए, इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए जो जो प्रिपरेशन में आपके शामिल होता है ना, वो क्या होता है भाई? प्रैक्टिस, कि आपने छाजाओ का प्रैक्टिस जोन ले लें और उस प्रैक्टिस जोन से आप अपनी प्रैक्टिस करें। तो टीचर्स की लेक्चर्स और उसके बाद प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें अगर आप कर लें तो इनशाला आप भी कामयाब होंगे, आप भी अगले साल टॉपर्स में शामिल होंगे, अपने डिजायर पे पहुंचेंगे। अभी भी हमारे यहाँ देखें स्कूलिंग सिस्टम या कॉलेज का सिस्टम या यूनिवर्सिटीज का सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये डिग्री लेके क्या करेंगे, डिग्री अभी भी एलिजिबिलिटी है। आज भी अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो MNCs हो या लोकल हो, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो इंटरव्यू की कॉल लिस्ट है वो बनती है BS की डिग्री में, कि आपकी BS की डिग्री किस प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए मुझे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए मुझे, तो मुझे BS सप्लाई चेन के लड़का चाहिए। अब BS सप्लाई चेन कौन कौन करा रहा है उनमें से वो सर्चिंग करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सर आपने मैट्रिक नहीं किया या आपने इंटरव्यू नहीं किया या यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, बस हमें सप्लाई चेन के लोग चाहिए, आ जाएं आप, आ जाएं आप इंटरव्यू दे दें, ऐसा नहीं होगा। अभी भी जो कंडीशन है और अगले 10 साल तक ऐसा ही है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो और वहां से एक डिग्री हासिल की हो और फिर उसके बाद इंटरव्यू में ये सर्च किया जाता है, ये फिल्टर किया जाता है कि इस बच्चे को डिग्री के मुताबिक काम कितना आता है। डिग्री तो है इसके पास नेस्ट की, GPA भी अच्छी है इसकी, GIK में GIK से पास आउट है, बट इसको काम कितना आता है। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आपने AI किया हो, चाहे आप किसी और प्रोग्राम में आप बैचलर्स कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछेंगे यार आपको काम कितना, स्किल सेट कितना अच्छा है। तो यहां पर भी बिल्कुल वही वाला जो माइंड सेट है ना बना हुआ है कि एक आवाम जा रही है स्किल सेट की तरफ, वो कह रही है मुझे तो स्किल्स डेवलप करनी है ना, डिग्री लेके क्या करूंगा। भाई ऐसा नहीं है, जैसे सेल्फ स्टडी से सब नहीं हो सकता, ऐसे ही सिर्फ स्किल्स से नहीं हो सकता। डिग्री आपकी एलिजिबिलिटी है और वो एलिजिबिलिटी आपको हासिल करनी है, तो एक अच्छे इदारे से हासिल करें, ठीक है। तो ये हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, ये तमाम पैकेज आपको अच्छा, ये सब कुछ एक साथ चाहिए तो भी आप क्लासरूम कोर्स ले लें, IBA ग्रेड्स के क्लासरूम कोर्स लेंगे तो ये सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस जोन आप लोगों का सबका फ्री था, रिकॉर्ड लेक्चर्स जहां पर जरूरत थी वहां मिल गए, ठीक है, क्लासरूम कोर्स हो गया। तो ये अगर क्लासरूम कोर्स है तो फिर वो तो फिर सब कुछ हो जाएगा इसमें, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए। अब मैं आपकी क्वेरीज की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा ये हमारे प्रैक्टिस जोन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं ये थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लूँ। देखें एक मतलब बल्क है, बल्क जो पुराने पास्ट पेपर और जो यूनिवर्सिटीज में पेपर्स होते रहते हैं, अभी जैसे भी जीशान जहीम ने बताया कि मैंने तो पास पेपर किए थे छाजाओ के ऊपर तो मैं 97 स्कोर ले आया, ऐसी था यस क्योंकि भाई वो पास पेपर रिपीट हो रहे थे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन हैं ये सारे हमारे छाजाओ के प्रैक्टिस जोन में मौजूद है और ये विद वीडियो सॉल्यूशन है। एप्टीट्यूड में आप लोगों ने शायद ये बात महसूस नहीं की, मेडिकल वाले ये बात महसूस करते हैं, तो उनको मैं ये बात बताता हूँ कि देखो जहां MCQ आता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर डिस्ट्रैक्शन आती है। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और उसका आंसर मैं आपसे कहूं कि आंसर दे दें, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर दे देते हैं, ये पैटर्न है आपका इंटर का, ये 11th का, कि भाई आपसे कहा स्टेट बॉयज तो आपने बॉयज लो बता दिया,
आपसे कहा स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चार्टनर प्रिंसिपल, आपने वो बता दिया, जो आपसे कहा जा रहा है आप वो एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जाता है ए बी सी डी अपनी नहीं चलाएं इनमें से बताएं, अब आप क्या होते हैं, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक डेली लाइफ की भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगी कि भाई एमसीक्यूज में ऐसा क्या है जो सीखने की जरूरत है। एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अपना डर और कंफ्यूजन को दूर करना। जहां आप कंफ्यूज होते हैं ना, उस कंफ्यूजन को दूर करें। जितने भी प्रोफेशनल इदारे हैं वो सब के सब एमसीक्यू और बीसीक्यू बेस्ड एग्जाम इसीलिए लेते हैं ताकि कंफ्यूज पर्सनैलिटीज को खत्म किया जाए, क्लियर पर्सनैलिटीज को बाहर लाए कि आपको पता तो है लेकिन जैसे ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है तो आपके तक ये भी तो ऑप्शन नहीं जाते चले आते हैं। आज जैसे बच्चा सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, मैंने सीएस करना है या मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो ये कंफ्यूज पर्सनैलिटीज होती है ना, इसको फिल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल रैन साहब अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हैं उसकी बर्थडे पर, जाते हैं दुकान से खरीद कर लाते हैं और उसको गिफ्ट दे देते हैं, वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट कर देगा? एक्सेप्ट करेगा। उसी दोस्त को आप दुकान पर ले जाएं और बोले यार तुम ले लो जो तुम्हें चाहिए, अब क्या होगा? अब कहेगा यार एक साल में पहली दफा गिफ्ट दे रहा है तो आपको तो कुछ बेहतरीन लेना चाहिए, और बेहतरीन लेना चाहिए, कभी वो देखेगा कभी ये देखेगा कभी वो देखेगा, अब वो क्या करेगा, वो अपना भी टाइम जाया करेगा आपका भी टाइम जाया करेगा, कंफ्यूज है वो, क्लियर ही नहीं है। तो ऐसे जहां पर भी ऑप्शन हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी डेली रूटीन हो या फिर आपका पेपर हो, जहां ऑप्शंस आ जाते हैं वहां कंफ्यूजन आती है। और ये कंफ्यूजन दूर कैसे होती है, इन तमाम एमसीक्यूज को आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें, यही कंफ्यूज करते रहेंगे, यही आपको सिखा देंगे। भाई कितनी दफा कंफ्यूज होंगे, एक दफा दो दफा तीन दफा, फिर आप सीख जाएंगे, आप समझ लेंगे कि भाई अब अगर ऐसा होगा तो मैं तो यही आंसर लगाऊंगा। तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है, तो इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस जोन बनाया हुआ है, ये तमाम एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस जोन में विद सॉल्यूशन मौजूद। ये एक बड़ी बात है कि सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर ये रखे गए, इसमें इसीलिए टाइम भी काफी लगा, लेकिन ये आप बच्चों की हेल्प के लिए काफी ज्यादा बेहतर एक हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया है। तो ये प्रैक्टिस जोन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। चले भाई मीनाम भाई क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, ताकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन करके फिर हम उसको रैप करते हैं। हमारे मेहमान भी थोड़े से मुझे लग रहा है थक रहे हैं भाई, आज हमारे मेहमान साथ हैं तो आज हम ज्यादा क्वेश्चन सेशन में वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर कर दें। नहीं मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है, मेरी जूम वाली विंडो तो खुली भी, लेकिन जूम वाली स्क्रीन ही भी जिन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को सही पता हो तो मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा, आप बता दीजिएगा ठीक है, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते, तो फिर मैं कहता हूँ यार मेरे साथ कोई दो, तो माशाल्लाह आप लोगों को भी अब इतना तजर्बा तो हो गया कि फास्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेरी अभी पिछले साल जो अभी फास्ट में थर्ड ईयर में मौजूद है उन स्टूडेंट से भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना ये था कि सर फास्ट में जो ये वाली मिथ है ना कि फास्ट में कोई मतलब कलरफुल लाइफ नहीं है और कोई इवेंट्स नहीं होते, तो ये बात तो सही है लेकिन फास्ट में जो पढ़ाई है वो फिर आउट क्लास है, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा भाई सर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में गाइड कर दें कि बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेहतर जो है वो नस्ट में, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप नस्ट से बिल्कुल आप बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कर सकते हैं। सर एनईडी कैसी है? हाँ भाई कौन कौन जवाब देगा इसका, एनईडी कैसी है? ठीक है अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो एनईडी जो है बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में तो थोड़ा कम ही कहेंगे रैंक करेंगे, लेकिन फिर व्यापार पे ये कि एनईडी में फीस भी कम है, आपको जो है वो एनईडी में एक तो स्कॉलरशिप मिल जाती है 50 बच्चों को शायद जो है वो 100% स्कॉलरशिप मिलते हैं, इतना कोई और यूनिवर्सिटी देती नहीं है, जैसे आईबीए हो गई, आईबीए में बहुत ज्यादा फीस है,
टेस्ट वगैरह में भी जा रहे हैं। आई थिंक पढ़ाई भी ठीक है, और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ज्यादा बंदे का अपने स्किल सेट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी यूनिवर्सिटी तो आप सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको भी वो काम आना चाहिए, आपको भी वो चीज अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर हम देखें कराची में, तो वो नंबर वन यूनिवर्सिटी एनईडी है, फिर उसके बाद दाऊद आती है, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी आती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। और प्राइवेट में आ जाए तो फिर हमारे पास फास्ट भी ऑप्शन है, आईबीए भी ऑप्शन है, ठीक है, नस्ट भी ऑप्शन है, प्राइवेट में हमारे पास ये ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, एनईडी 2025 एमसीक्यूज के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे? मैं तो आईबी ग्रेड की करूंगा और ये छाजाओ करूंगा भाई, आप मुझसे पूछेंगे तो है भाई एनईडी के लिए, क्योंकि सवाल तो इसी में से आए थे, अब जिसमें सवाल आए थे तो वही आपको रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, सर प्री मेडिकल के स्टूडेंट का ई कैट दे सकते हैं जो न्यू नहीं, फिर भाई सवाल आगे बढ़िया, सर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट स्कॉलरशिप इन आईबीए, एंड हैड रेहान गॉटन स्कॉलरशिप इन आईबीए एज ही हैड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन? पोजीशन के ऊपर आईबीए में स्कॉलरशिप डायरेक्टली नहीं देते, हाँ आप रेहान साहब जब वहां पढ़ने जाएंगे तो वहां पर जब अप्लाई करेंगे तो इनकी ये पोजीशन वहां कंसीडर की जाएगी कि भाई ये बच्चा तो टेस्ट में भी फर्स्ट पोजिशन में था और अब जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो भी इसका जीपीए अच्छा है, तो इसको स्कॉलरशिप, इसको फाइनेंशियल एड या इसको इस तरह की सपोर्ट देनी होगी, इनको वो बाहर नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे दूं। फाइनेंशियल एड वैसे मैंने भरा था तो मुझे 100% ईमेल आ गई है, ये लीजिए भाई, ये इन्होंने, मैं तो अपनी तरफ से बात कर रहा था, ये इन्होंने खबर सुना दी, बता दें भाई आप खुद बता दें। ये फाइनेंशियल जो अप्लाई करते हैं ना, जब पास कर लेते हैं उनका टेस्ट तो ईमेल आती है, फिर आप फाइनेंशियल एड का फॉर्म भरते हैं तो फिर वो उनका प्रोसेस चलता है। और अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले ना उनकी मेल आई है कि आपको 100% हम एक साल के लिए दे रहे हैं और फिर अगले साल वापस वही रिवाइज होगा आपकी जीपीए वगैरह देख के। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने सिर्फ रेहान साहब को देखा है थोड़ा सा और रेहान साहब का टेस्ट देखा है कि रेहान साहब ने टेस्ट दिया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो ये देखने पर उन्होंने इनको फाइनेंशियल एड का फॉर्म दिया था, इन्होंने वो फिल किया था, उस पर इनको 100% स्कॉलरशिप मिल गई है। चले भाई माशाल्लाह। हाउ डेटा साइंस प्रोग्राम ऑफ फास्ट एनयूसीएस एंड व्हाट इट्स कट ऑफ, कि डेटा साइंस का प्रोग्राम कैसा है और उसका कट ऑफ क्या है? कट ऑफ देखिए, फास्ट का कभी भी पब्लिश नहीं होता, ये जो आपके पास मेरिट आता है ना, क्लोजिंग मेरिट, ये लोगों की अपनी मेहनत होती है कि वो मालूम कर करके, कुछ लोगों का मालूम कर लिया, कुछ लोगों का मालूम कर लिया, तो उससे वो कट ऑफ बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो कभी भी पब्लिश नहीं होता, फास्ट से कभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आती। ठीक है, इस साल का अभी जैसे मैंने बताया ना कि 66.7 तक कंप्यूटिंग प्रोग्राम क्लोज हुआ है, उससे नीचे कंप्यूटिंग प्रोग्राम नहीं है। अब अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ जो बच्चे छोड़ते हैं तो उससे नीचे आते आते बहुत बहुत भी आया तो ये 65-64 तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाने का अभी कोई उम्मीद नजर आती। नेक्स्ट कह रहे हैं, सर अगर किसी ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी प्रिपरेशन सही ना की हो और वो यूनि के एंट्रेंस टेस्ट की प्रेप करे तो कैसे स्टार्ट करे? फर्स्ट ईयर करना जरूरी है, देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होंगे कि फर्स्ट ईयर होना जरूरी, आप पहले अपना पूरा फोकस फर्स्ट ईयर को दें, फर्स्ट ईयर या एस, अगर आप इलेवंथ कर रहे हैं तो एस को दें और फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर को दें, उसमें बिल्कुल अपने दिमाग को इधर उधर लगाए नहीं, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर कर लें तो उसके बाद आप फिर सेकेंड ईयर में आप ज्यादा अपना फोकस प्रिपरेशन पे रखें और सेकेंड ईयर को इतना कर लें जितनी रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, हाँ थोड़ा नीचे करें मैडम, सर आगा खान बोर्ड की सीट के बारे में गाइड करें। बहुत कम सीट्स हैं, अगर एनईडी की बात करेंगे, एनईडी में आपको एडमिशन लेना है तो आगा खान बोर्ड के लिहाज से बहुत कम सीट है। व्हेन कोर्स विल कंप्लीट इफ स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, अगस्त से स्टार्ट करते हैं तो कोर्स कब कंप्लीट होता है भाई? फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट कह रहे हैं ताकि उन मतलब लाइव बात हो गई है आपकी कि फरवरी तक कोर्स कंप्लीट आता है, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस और फिर ग्रैंड टेस्ट और जो यूनिवर्सिटीज के पैटर्न के ऊपर टेस्ट होते हैं वो चाहे आप कैंपस में आके देना चाहें तो कैंपस में भी हो रहे होते हैं और छाजाओ पे देना चाहें तो छाजाओ पे भी हो रहे हैं, लेकिन कोर्स वाली जो टेंशन है ना कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस किस चीज को कवर करना है, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, ये सारी टेंशन आपकी इसमें
खत्म हो जाती है कि भाई आसानी से आप इससे निकल जाते हैं और फरवरी में आप बिल्कुल फारिग होते हैं। एक और अच्छा पॉइंट हो जाता है इसमें कि सेकंड ईयर के जो एमसीक्यूज है ना वो इसमें कवर हो जाते हैं, कि सेकंड ईयर की जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप मैथ्स कर रहे हैं या फिजिक्स कर रहे हैं तो वो जो सेकंड ईयर के चैप्टर्स थे उसके एमसीक्यूज भी आप यहीं से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। आईबी ग्रेड्स ईकेट के फी स्ट्रक्चर एंड डू वी नो, ये फी स्ट्रक्चर के बारे में या क्लास शेड्यूल के बारे में आप लोग कैंपस विजिट कर सकते हैं या कैंपस का नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 6 तक ये लोग ऑफिस में होते हैं, ये आपको बता देंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है या कोडिंग करनी है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री को आप चूज करेंगे, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में एआई में जाना है या डेटा साइंस में जाना है या आपने कंप्यूटर से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी में या गेमिंग में, एनिमेशन में, वेब डेवलपमेंट में, इस तरह के ऑप्शंस में जाना है ना, तो फिर आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे। ठीक है, अभी मेरी रेहान से बात हो रही थी सेशन से पहले कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कंप्यूटर में जब हम जाएंगे तो हम आसमान में चमकता सितारा होंगे। सही है, तो भाई ये थोड़ा आप क्लियर करें कि ये जो कंप्यूटर में जाना है ना, ये हर फील्ड में इस तरह के ऑप्शंस नहीं है। ये जो बेहतरीन ऑप्शन है ना, बेहतरीन जिसको कहते हैं बेहतरीन ऑप्शन, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्योंकि स्किल के साथ इंटेलिजेंस को लाजिम और मलजूम करा दिया जाए, आप लोगों ने जैसे छाजो एप्लीकेशन अभी यूज किए, बीच बीच में कहीं आपको कहीं कोई एरर मिला छाजो एप्लीकेशन, टेक्निकल इशू, अब वो टेक्निकल इशू रिजॉल्व करने वाला जो है ना, वो हमसे ऑन डिमांड क्या करता है, चार्ज करता है, कहता है सर मैं ये तो आपकी प्रॉब्लम हल कर दूंगा, आपका मसला है आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जितने भी बैंक्स की एप्लीकेशन है इस वक्त वो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, जब भी कोई इशू आता है तो वो ऑन डिमांड वो चार्ज करते हैं उसकी। तो ये जो डिमांडिंग काम है ना, ये कौन सा काम है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है, और प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो प्रोग्रामर होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी अलग है। अब इसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है, यानी आईक्यू बेस्ड, तो अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो बिल्कुल आप जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं उनको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग प्रोग्रामिंग जो कराई जाती है वो क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि ये ह्यूमन अंडरस्टेबल नहीं है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जब एक इंसान नहीं समझ सकता तो कौन समझेगा भाई, ये भी पढ़ेगा कौन, वो पढ़ेगा जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी हो। तो अगर आप अपना आईक्यू अच्छा रखते हैं, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, तो आप असेंबली भी कर लेंगे, आप ओरिकल भी कर लेंगे, आप जावा भी कर लेंगे, जावा स्क्रिप्टिंग भी कर लेंगे, आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर बहुत आसानी से कमांड हासिल कर लेंगे और उससे लोगों को फायदा भी पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपकी आईक्यू अच्छा नहीं है, इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, तो आप खुद भी फंसेंगे और दूसरों के लिए भी मसला होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस ऑप्शन को इस तरह से फिल्टर करके लें। फास्ट इतनी दूर है घर से, क्या आप रिकमेंड करेंगे? भाई यहां से तो इस्लामाबाद जा रहे हैं लोग, इस्लामाबाद जाके पढ़ते हैं, वो रोज नहीं जाना होता अलग बात है, लेकिन जाते तो है ना भाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है 4 साल की, तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये हो गया। आई बे ग्रेड के फिजिकल प्रोग्राम की क्या लिखी है भाई, डिटेल्स भाई, आई बी ग्रेड्स की फिजिकल प्रोग्राम की जो डिटेल्स है ना, ये सारी आई बी ग्रेड्स के फेसबुक पर पेज पर एक नंबर मौजूद है आई बी ग्रेड्स का, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो किसी भी कैंपस से आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, 6 कैंपस हैं, आप अगर घर के नियरेस्ट कैंपस में विजिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉल कर लें, कॉल पर आप डिटेल दे देंगे। और क्या कह रहे हैं भाई, फेडरल बोर्ड की सीट्स कितनी है रेडी में? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आहान बोर्ड की सीट भी बहुत कम है और फेडरल बोर्ड की भी बहुत कम है, सबसे ज्यादा इंटर की, उसके बाद ए लेवल्स की सीट्स हैं। सर ये क्लासरूम कोर्स वगैरह क्या है? भाई जो क्लास में होता है वो क्लासरूम कोर्स होता है, क्लासरूम कोर्स क्या है, जो क्लासेस में होता है ना, जो क्लास आप ज्वाइन करते हैं वो क्लासरूम कोर्स कहलाता है। एक होता है क्लासरूम कोर्स, एक होता है ऑनलाइन कोर्स। तो ऑनलाइन ये जो घर बैठे आप ले रहे हैं, क्लासरूम कोर्स ये क्लास में आके आप पढ़ रहे हैं। सर मैं अभी इंटर में हूँ तो मुझे अभी से किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मेरा इंटर भी डिस्टर्ब ना हो और इंट्री टेस्ट की भी? ये तो भाई मेरे ख्याल से साथ भी बताएंगे,
ये हमारे एनईडी के पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर साथ भाई, कैसे पढ़ाई करे वो बच्चा बेचारा, कह रहा है कि मैं तो इंटर हूँ तो मैं इंटर की पढ़ाई करूंगा या मैं टेस्ट करूंगा, वही बात जो हम कह रहे थे कि ये तो इंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, सेकंड ईयर मेरा खराब हो जाएगा। ख्याल में इनको जो है वो सैटरडे और संडे वाली क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो जब वो ज्वाइन करेंगे वैसे भी मोस्टली जो है वो कॉलेजेस सैटरडे संडे ऑफ होते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर होती भी है तो एक दिन छुट्टी करने से भी ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 60% ही लानी होती है इंटर में, और यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो मैटर करता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में तो 75% कंसिडर किया जाता है टेस्ट, जैसे कि नस की, तो फिर टेस्ट देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छी फिर ये नहीं करते फिर क्या होगा अगर ये कहते हैं मैं एग्जाम के बाद तैयारी करूँ? एग्जाम के बाद तो टाइम ही नहीं होता, जैसे आज हमारा जो है वो 1 तारीख को लास्ट पेपर था और 5 तारीख को मेरा टेस्ट था सुबह, तो ऑब्वियसली सिर्फ 3-4 दिन ही थे, अब वो 1 तारीख को आके भी जो है वो आराम करता है बंदा, वो दिन तो वैसे ही जो है वो चला जाता है पेपर देने के बाद आके, तो वही 2-3 दिन बच जाते हैं उसमें। तो मतलब अब ये तो कोई सवाल ही नहीं था ना, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं या जिनको ये ख्याल है कि भाई हम बाद में तैयारी कर लें, तो बाद का तो ऑप्शन ही नहीं, एग्जाम के बाद तो टाइम ही नहीं, जो है वो आपने अभी करना है। अच्छा ये हम आप मैं तुम्हें थोड़ा सा ना अपने लिहाज से भी आपको बताऊं कि अगर अगस्त में बच्चा स्टार्ट करता है तो वो जितनी भी हमें चार्ज पे करेगा ना वो उससे ज्यादा हमसे वसूल कर लेगा, लेकिन वो जितना लेट करेगा भाई हम तो सितंबर में भी तैयारी कराएंगे, हम अक्टूबर में भी कराएंगे, हम नवंबर में भी कराएंगे, लेकिन जितना कम टाइम वो हमसे लेगा तो हमारी सर्विसेज उतनी कम यूज करेगा, तो ये तो मतलब हम अपना नुकसान कर रहे हैं एक तरह से, कि हम ये कह रहे हैं भाई अगस्त में बच्चा तैयारी शुरू कर दे ताकि वो क्या करे भाई वो ज्यादा टाइम उसको अपनी प्रिपरेशन का मिल जाए, वो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, उसकी जितनी क्वेरीज हैं जितने मसले हैं वो ज्यादा से ज्यादा मसले अपने क्या कर ले भाई वो यहाँ पर आकर खत्म कर ले, और यूनिवर्सिटी में जाकर वो बहुत रिलैक्स होकर पेपर देके अपनी सक्सेस हासिल कर ले। ठीक है भाई, तो ये तो ऑप्शन नहीं है अब कि आप देर करें, कोशिश करें कि भाई इसको साथ साथ ही चलाएं, वरना तो जो इस साल हाल हुआ है वो तो ये बता रहा है कि सेकंड ईयर को सिर्फ इतना कर लो जितनी जरूरत है बस, क्योंकि आप सबका सेकंड ईयर नहीं हुआ है अभी, सेकंड ईयर का रिजल्ट A2 का रिजल्ट नहीं आया है और आप एडमिशन हो चुका है, आप जाने वाले हैं कल इंशाल्लाह, आपका परसों इंटरव्यू है, फिर इनका भी इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू में क्लियर, इनको स्कॉलरशिप मिल गई है 100% की, उनका फास्ट का आपने ऑफर लेटर तो मिल गया, आपने फीस सबमिट करनी है, तो ये एडमिशन होगा और रिजल्ट कब आएगा? सितंबर में, अक्टूबर में। तो अब इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और क्या मिलेगी सीखने के लिए कि सेकेंड ईयर को करके करना क्या है? सेकेंड ईयर को सिर्फ इतना करना है कि भाई आपकी क्या हो जाए, आपकी परसेंटेज इतनी आ जाए कि आप एलिजिबल रहें। अच्छा, जिसने भी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं उनके लिए एंट्री टेस्ट डेट्स कब हैं? बेटा जिसने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं तो उनके लिए अब बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि सर सैयद है, बहरिया है, उस्मान है, वो इसमें दे सकते हैं, अब वो नस्ट का टेस्ट नहीं दे सकते, वो NED में अप्लाई नहीं कर सकते इस साल, वो फास्ट में नहीं कर सकते, अब अगले साल करेंगे, अगर इनमें करना है तो फिर अगले साल, वही गैप ईयर आ जाएगा, एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर NED की मैनेजमेंट साइंस ठीक है या? अच्छा देखिए, बाद वक्त ना इस तरह के सवाल आते हैं कि NED की मैनेजमेंट साइंस ठीक है या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फास्ट की या फिर कंप्यूटेशनल फाइनेंस NED की, तो इसको ना आप ये देखा करें कि आप इसको के अपने दूसरे ऑप्शंस के साथ किन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपके और क्या ऑप्शन मौजूद हैं। अब एक बच्चा है जिसके पास ऑप्शन ही सिर्फ सर सैयद बहरिया का बच्चा है, तो वो NED से इसको कंपेयर नहीं कर सकता, उसके पास फिर यही बेस्ट है, वो इसी को अब यहाँ पर ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह फील्ड्स के अंदर भी है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ये मौजूद है और फिर आप कंप्यूटेशनल फाइनेंस में जाएंगे, मैं आपको रोक दूंगा, मैं कहूंगा नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस करें, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो अब ऑप्शन जो बचा है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, कह रहे हैं लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस जोन मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ठीक है। और सर अभी छा जाओ पे न्यू सेशन ECAT का कब स्टार्ट हो रहा है? 4 अगस्त को।
अच्छा ये मैंने डेट अनाउंस नहीं की, ये मुझसे गलती हो गई भाई, मैं दोबारा से अनाउंस कर देता हूँ। हमारा जो अगस्त का बैच है ये 4 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तमाम कैंपस में 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये पहला बैच है और इसमें मतलब ऐसे ही होता है कि हर कोई पहला बैच में ही लेना चाहता है एडमिशन, तो पहले बैच की मैं कोई कमिट नहीं करूंगा, बस आप कोशिश कर लीजिएगा, आप खुद जाके विजिट कर लें, देख लें अगर आपकी सीट रिजर्व हो जाए तो फर्स्ट बैच 4 अगस्त में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ये तमाम कैंपस में भी होगा और छाजाओं पर भी होगा। सर AI बैचलर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है? देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ना, वैसे तो JIKI को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी तो फिर फास्ट जाए, ठीक है, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये देखना होता है कि यार 970,000 रुपये अगर आपने फीस पे करनी है और वहां 2,02,000 का वाउचर आया ना कल फास्ट का, तो 7 लाख रुपए का फर्क है। कुछ लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता। जिनके लिए नहीं करता फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है, गो फॉर JIKI, वह बेस्ट है AI के लिए। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी का मसला है, एक मेरे पास आज ही एक मैसेज आया था कि सर हम लोन ले लेंगे, वो मतलब हम लोन लेके मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम JIKI कर लें फिर आप कहना अच्छी है। मैंने कहा लोन ना लेंगे, ये फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर नहीं लें, आप फास्ट से AI कर लें इंशाल्लाह बेहतर ऑप्शन है। लेकिन आसान है फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी ईजी आपके लिए, तो फिर आप चले जाएं, वो रास्ता देखें जिससे आपके 4 साल आसानी से गुजरें। ये ना हो कि 4 साल मुश्किल में हो फाइनेंशियली, अब आप फंसे में तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सर यूनिवर्सिटीज क्रेडिट आर्ट के क्या सीन होता है? मैंने गवर्नर इनिशिएटिव में हूँ, वहां से क्रेडिट आर मिलेंगे? क्रेडिट आर जैसे आप फास्ट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उनकी जो फीस है, अभी तो वाउचर आया है 2,02,000 का, उन्होंने वाउचर दे दिया, वरना तो क्रेडिट आर के मुताबिक फीस होती है कि पर क्रेडिट आर इतनी फीस होगी। तो जितने क्रेडिट आर आपको वहां से मिल रहे हैं गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम से, तो उतने क्रेडिट आर की स्कॉलरशिप आपको फास्ट या कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगी, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी का क्रेडिट आर डिफरेंट रेट पर होता है, मतलब कुछ क्रेडिट आर 7,000 पर क्रेडिट आर होता है, कोई 6,000 पर क्रेडिट आर होता है, कोई 3,000 पर क्रेडिट आर होता है। तो जहां पढ़ रहे होंगे वहां के क्रेडिट आर की ये रेट आप बताएंगे, तो वो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है उससे आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सर 12th का कोर्स भी 4th अगस्त से इस बैच में? जी, जो हमारा एप्टीट्यूड का कोर्स है ईकैट का, वो 4th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सर, विच यूनिवर्सिटी बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए तो इको मैथ के लिए हमारी IBA की अच्छी यूनिवर्सिटी है, IBA से इको मैथ का प्रोग्राम अच्छा होता है, और अगर फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर कराची यूनिवर्सिटी। सर अभी छाजाओ पे सेशन ई कैट का कब स्टार्ट है? 4 अगस्त को स्टार्ट है सर। यूनिवर्सिटी ये हो गया सर, इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अच्छा, जिसने सेकेंड ईयर में कंप्यूटर साइंस ली है तो क्या वो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और ये सब ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, अब ले सकता है, अब कोई इनमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सारी रिस्ट्रिक्शंस उठा दी गई, इवन के मेडिकल वाला भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा सकता है, अब कोई मसला नहीं। नाम भाई और हैं क्वेश्चन? नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा है, कर दिए मैंने, या तो ऊपर निकल गए। हाँ भाई, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप दो तरह से है, एक मेरिट बेस्ड और एक नीट बेस्ड। मेरिट बेस्ड ये है कि आपकी मैट्रिक के अंदर मैट्रिक की जो परसेंटेजेस है उसकी बेस पर 90% हो, 85% हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और नीट बेस्ड ये है कि आप कैंपस विजिट करें, एक फॉर्म होता है नीट बेस्ड का, आप उसको फिल करें और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे वहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं 2-3, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको दे दें एडमिशन ऑफिसर को, इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे कितना परसेंट आपको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप में ऑफ हो जाएगा। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन अगर किसी का रह गया तो वो दोबारा कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऊपर सारे पास हो गए। इंटरप्रेटरी इंजीनियरिंग से करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। NED सेकंड राउंड में कंप्यूटर साइंस की सीट्स होती हैं, बिकॉज फर्स्ट टेस्ट में जिसका मेरिट अच्छा इसने CS ले ली, बट जिसका बेटा ऐसा नहीं होता। NED में फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई एडमिशन नहीं होता, फर्स्ट और सेकेंड राउंड हो जाता है,
उसके बाद जो बेस्ट स्कोर होता है उसके ऊपर मेरिट लिस्ट लगती है, उस मेरिट लिस्ट के मुताबिक फिर आपको एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, अभी आप पहला टेस्ट देंगे फिर दूसरा टेस्ट देंगे, दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर उसके ऊपर आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपको फील्ड मिल रही है, आपने एडमिशन लेना है तो आप उसको कंफर्म कर दें। ठीक है भाई। सर मैट्रिक में 90% पे आईबीए ग्रेड्स कितनी स्कॉलरशिप दे रहा है? बेटा ये आप अगर मालूम कर लें, वैसे मेरे ख्याल से 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो आप अगर मालूम कर लेंगे ना कैंपस से तो ज्यादा बेहतर आंसर आपको मिल जाएगा। 50% मेरे ख्याल से दे रहे हैं। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें या प्रॉब्लम पे? सेम फॉर फिजिक्स। बताते भाई, थ्योरी पे ज्यादा, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं केमिस्ट्री में? थ्योरी ज्यादा आती है और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बराबर होता है, बैलेंस होता है ना, फिजिक्स में बैलेंस है और केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा है। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल कम है, ये मैं खुद भी बता सकता था लेकिन मैंने खुद इसलिए नहीं कहा कि बच्चे हैं मौजूद हैं, इन्होंने अभी अभी टेस्ट दिया है तो इनकी जबान से ये ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा भाई, उसके बाद डज नर्स्ट ऑफ इस्लामाबाद प्रोवाइड अस स्कॉलरशिप टू एंड अंडर व्हाट टर्म्स? रेहान भाई बताइए। टॉप 15% को देते हैं। टॉप 15% को नर्स्ट स्कॉलरशिप देता है। टॉप 15% किस चीज पर? टेस्ट में, अगर 170 प्लस आपका स्कोर होता है तो ऑलमोस्ट आपके चांसेस होते हैं। 170 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, 170 प्लस स्कोर करने वाले टेस्ट में आप टॉप 15% में आ सकते हैं, और अगर आप टॉप 15% स्कोरर में आ जाते हैं तो फिर आपको नेशनल स्कॉलरशिप देता है। दूसरी स्कॉलरशिप होती है फाइनेंशियल एड, वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ही मिलेगी। सर मैंने इंटरमीडिएट में इंजीनियरिंग से किया है, क्या मैं सीएस का एंट्री टेस्ट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। है क्वेश्चन है मैम? सर स्कॉलरशिप टेस्ट भी तो होता है ना आईबी रेट्स के लिए? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, और अभी लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अभी पहले एमकैट वालों का है, और इसमें अभी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो ज़रूरत नहीं है, आप परसेंटेज अच्छी परसेंटेज पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज अच्छी नहीं है मैट्रिक में, अच्छी नहीं होने का मतलब ये कि 80 ब्लो है, 80 ब्लो पर फिर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा। मैं इस पर मज़ीद डिस्कस कर लूँगा और आपको इंशाल्लाह ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट कब हम ईकैट का ले रहे हैं। सर नस्ट में टेस्ट का रिजल्ट कब आता है? नस्ट के टेस्ट देखें, चार टेस्ट हैं और चारों टेस्ट में ये होता है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो 2 दिन में आ जाता है, और पेपर बेस्ड है तो 7 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट आपको मिलता है। सर मैंने इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग से किया है, ये तो किया। सर GIGI की एडमिशन फीस 9 लाख है या पर सेमेस्टर फीस? 9 लाख मैंने आपको बताइए जो कि एडमिशन फीस के साथ है, जो अभी वाउचर बने ना स्टूडेंट्स के वो मैंने आपको बताइए। सेमेस्टर फीस इनकी तकरीबन 4.5 लाख रुपए। सर आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन NED बट अलॉन्ग विद आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर नस्ट टेस्ट, आई वॉन्ट टू गिव नस्ट एंट्री टेस्ट, इज इट पॉसिबल? यस, आप नस्ट की तैयारी करें तो आप NED के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। बैच कब स्टार्ट होगा? 4 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, तमाम कैंपस में 4 अगस्त से स्टार्ट होगा। How data science program of FAS if we have to stay in Pakistan? देखो data science हो, AI हो या cyber security, ये तो अभी उभरती हुई fields हैं, ठीक है, but इन उभरती हुई field में उभरते हुए लोग चाहिए, डूबते हुए लोग field को भी डुबा देंगे, तो आप लोगों को मेहनत करनी है इस बात का, आप बिल्कुल दिमाग से ना, दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लें कि बहुत मेहनत करनी है ताकि हम भी आगे बढ़ेंगे और हम अपने माशरे को भी आगे लेके जाएंगे। Thanks for this session. I was confused, but now I am clear. Jazakallah.
सर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, एनईडी फास्ट प्यास और नस्ट वगैरह के सब में बेटा मेरिट बेस्ड आपकी, अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं या जैसे एनईडी में पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगी। एनईडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ऐसा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कराची में मेरे ख्याल से एक ही रह गया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिकग्नाइज रह गया, वरना तो फास्ट था, फास्ट ने भी छोड़ दी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एनईडी ही करा रहा है जो आपको पीईसी रिकग्नाइज डिग्री देगा। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो अभी बात हो गई एनईडी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज बीएससीएस के लिए। अगेन अगर आपके पास इसके साथ ऑप्शन जेबिस्ट का है, केएसबीएल का है, बहरिया का है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि भाई पहले बहरिया कर लें, फिर उसके बाद जेबिस्ट कर लें, फिर उसके बाद आईओबीएमसीएस कर लें और उसके बाद केएसबीएल कर लें। ठीक है, एनटीएस क्या होता है? एनटीएस आपका वो टेस्ट है जिससे आप फास्ट में और आईएसटी में और कॉमसेट में मजीद ऑप्शन बना लेते हैं। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपकी एनईडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप नस्ट इस्लामाबाद में ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। हाउ इज द कोर्स ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इन नस्ट ऑफ इस्लामाबाद लाइक, एनी रिव्यूज ऑन इट? आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट फील्ड है और ये बहुत कम जगहों पर है, लेकिन इंटरेस्ट अगर है किसी स्टूडेंट का तो वो लाजमी जाए, और बहुत अच्छा है कि वो इंटरेस्ट के साथ ये कोर्स कर सकता है। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर जो होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग को भी सपोर्ट करते हैं और वो जो हमारी टाउन प्लानिंग है उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का स्कोप जो है ना वो इन इंडस्ट्रीज में आपको मिलेगा। सर नस्ट की सेमेस्टर फीस बता दें। अभी सेमेस्टर फीस कितनी है रहन भाई नस्ट की? 1,60 1,60,000 तकरीबन, तकरीबन 1,60,000 है। सर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके थे। अब इसके अलावा हमारे ऑफिसेस इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हर वक्त, मतलब हर वक्त का मतलब है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक्सेप्ट फ्राइडे तमाम दिन आपके पास फोन भी मौजूद है और आप विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम सवालों के जवाब हमारे तमाम एडमिशन ऑफिसर आपको दे सकते हैं। आपकी गाइडलाइंस, आपको प्रॉपर काउंसलिंग की अगर जरूरत है तो वो आपको जरूर टाइम देंगे। विजिट कर लें और अपनी ये तमाम चीजें क्लियर कर लें। कहीं भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जरूर स्टार्ट करें, फिक्र जरूर करें। आखिर में मैं एक दफा इन तमाम को शुक्रिया भी अदा करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें, और अगर फ्यूचर में जरूरत हुई तो आप अवेलेबल होंगे, इसका एग्रीमेंट या इसका डिसएग्रीमेंट जो भी आपको देना हो आप बता दें कि भाई हम अवेलेबल होंगे, अगर कोई बच्चा है, कोई मसला है तो कराची में अगर हम मौजूद हुए तो हम आ जाएंगे, हम बता देंगे, समझा देंगे कैसा होगा। ठीक है, तो रेहान भाई आपसे थोड़ा सा अपना तारुफ दे दें, आप ये बता दें कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया था, आप किस कॉलेज से थे और उसके बाद फिर आपने यहाँ तक पहुंच गए, अब इंशाल्लाह आगे आप सफर करेंगे अपना। मेरा नाम है दिखाया सर ने, और मैंने ओ लेवल्स बीके नाउ से किया था और अपना ए लेवल्स हाइड्रो कॉलेज से। और जब मैंने एस किया था तो उसके बाद ना मेरी अम्मी और मेरे कजिन वगैरह वैसे क्या अगले साल यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं तो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो मेरी कजन ने मैं ना मुझे सजेस्ट किया कि ना उसने भी आई बी गैस से ही पढ़ा हुआ था, उसने सजेस्ट किया था कि ना आई बी गैस एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जो मैं ना अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरेंस जर्नी के लिए ना गाइड कर सकती है, अच्छी गाइड कर सकती है। फिर मैंने फर्स्ट बैच में एडमिशन लिया था और अगस्त में जो होता है, और शुरू में जर्नी थोड़ी सी मुश्किल थी और मैनेज करने में टाइम लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आसानी होती गई और आखिर में आकर बहुत आसानी हो गई। मतलब प्रेशर नहीं था ज़्यादा और सब चीज़ें पढ़ी हुई थी, बस रिवाइज करने की जरूरत थी। और अलहमदुलिल्लाह पास में इतना अच्छा रिजल्ट आया, इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपको स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, यही कहूंगा अगर किसी को मतलब कोई भी ना प्रॉब्लम हुई है अपने, भी तो मैं फ्री हूँ, आई वी गैस ही पूछ सकता है और मैं आई वी गैस को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा बच्चों को। साथ मेरा भाई साथ खाना भी बताती है, मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। आदम जी गवर्नमेंट साइंस। ठीक है, तो कॉलेज में भी एक दो टीचर्स हैं हमारे जो काफी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन सिर्फ एक आध सब्जेक्ट से जो काम नहीं बनता तो ऑब्वियसली सर की तैयारी के लिए फिर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कॉम्बिनेशन पड़ा। चाहिए होता है तमाम चीजों का। तो फिर जब मेरे जैसे रेहान भी मेरा दोस्त हम साथ में पढ़ रहे थे, बाकी भी 3-4 दोस्त थे वो आई बी ग्रेड से पढ़ रहे थे, तो रिकमेंड किया। तो
फिर जब यहाँ आया था ऑफिस में नॉर्मल आके कैंपस में, तो फिर जो है बात हुई चार्जर पे भी बात की। फिर मैं जो है घर पे जाके जब मैंने चार्जर डाउनलोड किया तो वहाँ पे ऑप्शन था मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का, मैंने उस पर फॉर्म फिल कर दिया और मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई। जो है मुझे कुछ करने की पड़ोसी बात है, फ्री में घर पे बैठे पढ़ा था सारी तैयारी की। उसके बाद मैंने नर्स का टेस्ट दिया तो नर्स में भी इंशाल्लाह जो रिजल्ट फील्ड थी मैकेनिकल में मिल जाएगा। एनईटी में भी अच्छे अच्छा नंबर, अच्छा पास में भी अलहमदुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए हैं क्या मतलब है, रिजल्ट। आप तो पोजीशन उठा रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन ही आपकी, अभी इससे अच्छा क्या होगा। खुश हुआ जो बच्चे ने जो अलहमदुलिल्लाह बच्चे जो है वो एंट्री अच्छी किसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक तो आखिर में टाइम ही नहीं होगा आपके पास, तो ये सोच रहे हैं कि पेपर के बाद तैयारी करूंगा तो उसकी तो तैयारी हो ही नहीं अच्छा सकती। एक बात आप मुझे और यहाँ क्लियर करें, आपके सेकंड ईयर के पेपर कैसे हुए, फर्स्ट ईयर से अच्छे हुए या फर्स्ट ईयर से खराब हुए? नहीं फर्स्ट ईयर तो खराब ही हुआ है, तो बीच में वर्ल्ड कप भी चल रहा था वर्ल्ड कप चल रहा था। ये भी पढ़ा है क्या वो इफेक्ट पड़ा है फिर से। फर्स्ट ईयर खराब भी लेकिन आई थिंक अब लेकिन अब इफेक्ट हम नहीं है नहीं उसका, करता। हाँ क्योंकि आपका तो एडमिशन हो गया, तो अब जो जिस काम के लिए सेकंड ईयर को अच्छा करना था वो तो पहले ही हो गया। अगर फर्स्ट ईयर के पेपर खराब हो जाए तो खराब हो सकता है लेकिन अब इतना कोई रिग्रेट है नहीं। आई थिंक कि जो बच्चा लेना चाह रहा है एडमिशन तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि पहले ही बैच में ले लें, सब कुछ जो है उसके जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाद में बोर्ड के पेपर की तो उसको टेंशन नहीं होगी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट की भी टेंशन नहीं होगी, वो सब कुछ जो है यूज कर रहा होगा। मेरा नाम रहीम हुसैन है और रहीम की आवाज ठीक आ रही है? मेरा नाम रहीम हुसैन है और मैं भैया कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी मैट्रिक में बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं थी, 85 थी, तो मुझे मैट्रिक में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं थी, 85 थी। तो जिनकी 70 है ना वो मारेंगे पकड़ के, मतलब 85 के लिए हमने अम्मा से कितनी दुआएं कराई, खुद तो पढ़ा नहीं लेकिन दुआएं बहुत कराई, हमारी तो आई नहीं। सर वो नर्स के अंदर मैंने देखा था कि 90+ परसेंटेज सही रिक्वायर्ड होती है, तो बस उसके अंदर कहा था कि नहीं होगा एडमिशन। लेकिन फिर आईबी ग्रेड्स मैंने स्कॉलरशिप पे ज्वाइन करा था, प्रैक्टिकल सेंटर में पढ़ा था, उधर इन्होंने फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, तो मैंने उसी वक्त अप्लाई कर दिया था। और फिर जब मेरा एडमिशन हुआ तो उन्होंने अगस्त से स्टार्ट करा था, और तभी से नर्स की तैयारी शुरू करी थी, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मतलब छात्रों से जितनी मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे नहीं लगता मैं अगर अकेले ऐसे करता तो नहीं कर सकता मैं। और ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आईपी गेट्स को ज्वाइन करें या छात्रों से करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैं अकेले कर सकता, और मेरी मैट्रिक में 90% थी कि मेरा नस में या एनईडी में नहीं होता। एंड अच्छा भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रियान सिद्दीकी है। अच्छा मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, साथ में क्लास अच्छा आप भी ट्वेल्थ। आदम जी से ही, माशाल्लाह। तो हमारे तो आदम जी कॉलेज के जो स्टूडेंट वो है ना टीचर्स, वो भी बड़े कोऑपरेटिव थे और उन्होंने मतलब फर्स्ट ईयर हमें बहुत अच्छी तरह से निकाल दी, तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी सेकेंड ईयर की परसेंटेज के हवाले से। इसके अलावा सेकेंड ईयर में जब ईकैट की प्रिपरेशन के हवाले से बात थी तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। मैं पहले यही सोच रहा था कि पेपर के बाद आराम से करूँगा, लेकिन फिर थोड़े बहुत एड्स वैड देखे और फिर मतलब घर वालों ने फोर्स किया जल्दी लो कहीं ना कहीं लो, तो फिर आईपी गाइड्स बाहर चला सोशल मीडिया पे, फिर इधर आया और फिर गाइडेंस वाइडेंस लिया और फिर मैंने बैच 3 में ज्वाइन किया था तकरीबन एंड ऑफ अक्टूबर में। और थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि लेट ज्वाइन किया था, लेकिन फिर हल्के हल्के करके कवर अप हो गया क्योंकि मुझे मज़ा भी आया ईगेट करने में, क्योंकि उसमें मेन कॉन्सेप्चुअल ही होता है और यही एक तरह से असल पढ़ाई है। रट रट के सवाल जवाब लिखना ये हकीकी पढ़ाई होती भी नहीं है, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि बोरिंग नहीं थी क्लासेस, बोरिंग बिल्कुल भी है नहीं। ना? ये जो जैसे हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसमें कहीं कहीं हम थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो मैथ्स है या फिजिक्स है वो ऐसी है कि हर वो जगह के रख दिए, हर वक्त ही सवाल हो रहा था। कुछ इंग्लिश की क्लासेस बोरिंग होती है। इंग्लिश की बात बोरिंग नहीं थी, बिल्कुल आप बिल्कुल सच बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का फीडबैक मुझे यही मिलता है कि यार इंग्लिश जो है ना वो मजे की नहीं होती, मतलब मजा ही नहीं आता हमें। और वो वजह भी ये है कि इंग्लिश की वेटेज कम होती है, ईकैट वालों के लिए इंग्लिश जो है वो जैसे फास्ट है, अब फास्ट में 10% इंग्लिश काउंट होती है, तो नहीं पढ़ के भी बच्चा 5-6% तो नहीं लेता, इतना इसको कर लेता है, 5-6% का एग्रीगेट बन जाता है। सही बात मतलब कर रहे हैं मैं आप। तमाम सब्जेक्ट की ना बुकलेट घर जाके सॉल्व की है, छाजा वगैरह भी सॉल्व किया है, इंग्लिश को मैंने बिल्कुल ना के बराबर ही देखा सब में, बस अल्लाह के भरोसे में जाता था और बस जो हो जाता था हो जाता था। अगर आईबीए का मैं स्कोर बताऊं तो मैथ में मेरे तकरीबन थे 38 सही थे सही और इंग्लिश में 26 सही माशाल्लाह, थे।
इंग्लिश तो बिल्कुल मेरे बस इंग्लिश वहां पे भी आपने ना अल्लाह के आईबी भरोसे, वाले में भी अल्लाह के भरोसे की। और मैथ की वजह से स्कोर अच्छा हो गया था। लेकिन आप देखें अगर आप आईबीए में फर्स्ट पोजीशन आपने लिए तो बाकी सबका भी इंग्लिश ऐसे ही हुआ है, यही मतलब हुआ कि आपका तो सबसे अच्छा हुआ है इंग्लिश। नहीं अच्छा, मैं पेपर देके निकला था ना तो हर कोई बोला था यार मैथ बड़ी मुश्किल आई, इंग्लिश तो बच्चा आई। मैं परेशान हो गया, मैं बोल रहा हूँ मेरी तो इंग्लिश इतनी खराब गई है, लेकिन वो मैथ की वजह से कवर अप हो गया और अच्छे नंबर बन गए। जजाकल्ला भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सेम लेंथ वाले लोग होते हैं ना उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। हम थोड़े से बड़े हुए हैं तो आप हमारा जो है वो जब बोलते हैं हम तो इतना इफेक्टिव नहीं समझ आता, या तो वो बात इतनी सीरियसली नहीं ली जाती। लेकिन रायान भाई बोलेंगे या साध भाई कहेंगे, अपने अपनी बात बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो वो बच्चा जो है वो कहता है हाँ यार ये मतलब इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मोटिवेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये सेशन हम अरेंज करते हैं। और इस साल मुझे ये एक मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के ये सेशन कर लूं और बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है मीनाम भाई, जजाकअल्लाह आपका भी, आपने इसको अरेंज किया, आपकी गर्दन में बड़ा दर्द हुआ है मैंने सुना है, सुबह से आप इसमें मेहनत कर रहे थे अरेंज करने में, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी तमाम लोगों के लिए भी यही है कि इन्फॉर्मेशन के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं, आप कभी भी किसी भी वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो वो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम बेहतर आपकी रहनुमाई करेंगे। जजाकअल्लाह। ये ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं ये आप नोट कर सकते हैं, आईबी ग्रेड्स का, चाजाओ का, दोनों नंबर मौजूद हैं, दोनों नंबर आप नोट कर सकते हैं। और आपको कोई भी कॉल करके भी आपको सारी सहूलतें इंशाल्लाह मिल जाएंगी, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी। जजाकअल्लाह।